अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बेड़ी सिगरेट खैनी जर्द इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बेड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा इतना टार आपको बीमार बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है भूल भले टू नाम से फिल्म बनाई है प्रिय दर्शन ने 2007 में अक्षय कुमार और विद्या बालन को लेकर भूल भुलैया फिल्म बनाई थी जिसका सीकल नई कहानी के साथ पेश किया गया है पुरानी हिट फिल्म से कुछ तार जोड़े गए हैं जैसे मंजुलका नामक चुड़ैल और शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक का फिर इस्तेमाल दर्शकों को भूल भुलैया टू देखते समय भूल भुलैया की याद दिलाता रहता है रूहान यानी कार्तिक आरन और रीत यानी के अडवाणी की अजीब परिस्थितियों में मुलाकात होती है और वे रीत की पुरानी पुश्तैनी हवेली में पहुंच जाते हैं जहां पर मंजुलका की बुरी आत्मा को बंद कर दिया गया है रीत को बचाने के लिए रूहान झूठ बोलता है कि वह भूतों को देख सकता है और बात कर सकता है लेकिन उसे नहीं पता रहता कि एक दिन उसे मंजुलका से सामना करना पड़ेगा मंजुलका का अतीत भी सामने आता है जो दर्शकों को चौंकाता है दर्शकों का मनोरंजन यही उद्देश्य लेकर फिल्म के लेखक और निर्देशक चले हैं और इसमें उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली है बेवजह कोई मैसेज देने या फिल्म को महान बनाने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है हॉरर कॉमेडी रोमांस और चुटिले संवादों के जरिए उन्होंने दर्शकों पर पकड़ बनाई है इस काम में सशक्त कलाकारों का झुंड भी उनकी मदद करता है और कुछ कलाकारों ने स्क्रिप्ट की डिमांड से ज्यादा डिलीवर किया है फिल्म की शुरुआत भले ही धीमी और असरदायक नहीं लगती अनिश बजबी ने बच्चे का इसी तरह से कैरेक्टर रेडी में भी रखा था बड़े परिवार और रोहन का बाबा बनने को लेकर रचे गए दृश्य बाबा पंडित यानी संजय मिश्रा उसकी पत्नी यानी अश्विनी कलेशकर और छोटा पंडित को लेकर की गई कैमेडी वाले सीन बढ़िया बने हैं और दर्शकों को खूब हंसाते हैं ड्रामे में कई उतार चढ़ाव हैं और फर्स्ट हाफ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करता है इंटरल पॉइंट जोरदार है इंटरोल के बाद फिल्म में ड्रामा फ्रंट सीन पर आ जाता है कहानी मंजूलका पर शिफ्ट हो जाती है और रूहान बैक सीट पर पहुंच जाता है लेकिन जैसे ही रूहान और रेत हवेली पहुंचते हैं फिल्म दर्शकों पर ग्रिप बना लेती है आकाश कौशिक की लिखी कहानी और स्क्रीन प्ले में कई मजेदार सीन हैं, जैसे रीत की आत्मा के साथ चाचा का खेलना एक बदमाश बच्चा जो रूहान के पीछे पड़ा रहता है फिल्म में थोड़े डल मोमेंट्स आते हैं लेकिन बहुत जल्द ही गाड़ी फिर पटरी पर आ जाती है सेकंड हाफ में कॉमेडी पर हार भारी पड़ी है और कुछ सीन डराते और चौंकाते हैं फिल्म का अंत जल्दबाजी में निपटाया गया है वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में टिके हुए निर्देशक अनिश बजवी ने अपने अनुभव का पूरा उपयोग करते हुए भूल भुलैया ब्लेटू को ऐसी फिल्म के रूप में पेश किया है जो परिवार के साथ देखी जा सकती है अनीश ने कलाकारों से बेहतरीन अभिनय करवाया है और ड्रामे को मनोरंजक और रोचक तरीके से पेश किया है फिल्म कुछ जगह पर उनके हाथ से फिसलती है लेकिन फौरन वह संभाल लेते हैं गानों को भी उन्होंने छोटा रखा है ताकि दर्शकों का ध्यान ना भटके कार्तिक आर्यन अपने कैरेक्टर में एकदम फिट लगे उनकी कॉमिक टाइमिंग जोरदार रही और दर्शकों के मुताबिक उन्होंने एक्सप्रेशन दिए हैं वह है अपने कैरेक्टर को दर्शकों से जोड़ने में सफल रहे हैं कियारा आडवाणी की एक्टिंग भी अच्छी रही तब्बू को इस फिल्म का हीरो कहा जाए तो गलत नहीं होगा खास तौर पर दूसरे हाफ में फिल्म उनके कंधे पर ही टिकी हुई है संजय मिश्रा और राजपाल यादव की कॉमेडी जोरदार रही अश्विनी कलेशकर मिलिंद गोड़ाजी राजेश शर्मा मास्टर समर्थ चौहान सहित सारे चरित्र अभिनेताओं ने अपना अपना पार्ट बाखूबी निभाया है फिल्म के गाने बहुत अपीलिंग नहीं हैं हाँ सामजी और आकाश कौशिक के संवाद जोरदार हैं और दर्शकों को हंसाते हैं संदीप सिरोडकर का बैकग्राउंड म्यूजिक माहौल बनाता है खास पर हॉरर दृश्यों में कुल मिलाकर भूल भुलैया ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन का वादा करती है और उसे निभाती भी है अगर आपने बहुत दिनों से कोई कॉमेडी मूवी ना देखी हो बहुत इच्छा कर रही हो और अगर हॉरर कॉमेडी देखने के शौकीन हैं तो बिना रिव्यू देखे भूल भुलैया भलेटू को देखाइए दिमाग घर पर ही रखकर जाएंगे तो पूरी मूवी में जमकर हंसेंगे ठहाके लगाएंगे लेकिन भूल कर भी अक्षय विद्या की ओरिजिनल भूल भुलैया से तुलना करने मत बैठ जाना नहीं तो आपको उसका यह अपग्रेड वर्जन के बजाय एक सस्ता वर्जन लगेगा कहानी है फिर से मंजुलका की जो अपने पिता और अपनी बहन मंजुलका के साथ राजस्थान के भवानीगढ़ में किसी राजा साहब यानी मिलिंद गोड़ा जी के यहाँ बंगला से आती है पिता को उसके यहाँ नौकरी मिली है लेकिन मंजुलका को पिता का अंजुलका से ज़्यादा लगाव पसंद नहीं आता तो वो बदला लेने के लिए काला जादू सीखने लगती है और जब राजा कुंवर साहब उसकी बजाय उसकी बहन से शादी करने का फैसला करते हैं तो गुस्से में अपने पिता का खून करने के बाद कुंवर साहब को भी मारने की कोशिश करती है लेकिन बहन अंजुलका के हाथों मारी जाती है जाहिर है वह भूत बन जाती है और एक तांत्रिक उसे एक कमरे में अभिमंत्रित त्रिशूल दरवाजे पर रखकर बंद कर देता है पिछली फिल्म भी मंजुलका के कमरे में बंद रहने के ऊपर ही थी इसमें भी एक बंगाली गाना है जो पूरी फैमिली गुनगुनाती थी लेकिन कहानी मोड़ लेती है परिवार की बेटी रीत राठौड़ा अडवाड़ी जो बाहर पढ़ रही है लेकिन शादी से बचने के लिए वह जिस एक्सीडेंट से बच गई थी उसे मरने की खबर आने के बाद सच नहीं बताती ताकि जिससे शादी हो रही थी उससे उसकी बहन की शादी हो सके इसमें उसकी मदद करता है रास्ते में उसका दोस्त बना रोहन रंधावी यानी कार्तिक आर्यन जो सबको रीत की आखिरी ख्वाहिश बताकर उसकी हवेली में फिर से परिवार वालों को ले आता है जिसमें कि मंजुलका यानी तब्बू बंद है और उसकी हमसकल बहन अंजुल का जो कि वो भी तब्बू ही होती है रित की भाभी है धीरे धीरे वही ड्रामा होता है जो आपने भूल भुलैया में देखा था तमाम भूतिया घटनाएं होती हैं तमाम हंसी के फौरारे उड़ते हैं कार्तिक आरण के भी तमाम ऐसे हैं जो लोगों को काफी हंसाते हैं भूल भुलैया से मूवी इस मामले में थोड़ी अलग है कि इसमें पहले सीन से ही आपको भूत दिखा दिया जाता है ताकि आप ये ना मान लें कि इस मूवी में भी पहली वाली की तरह केमिकल लोचा होगा लेकिन फिर भी इसे उसका सस्ता वर्जन ही माना जाएगा क्योंकि न तो कार्तिक कार्य वो वजन पैदा कर पाते हैं जो अक्षय कुमार ने किया था और न ही अडवाणी विद्या बालन जैसा करिश्मा कर पाती हैं उसकी वजह भी थी कियारा को कार्तिक के मुकाबले इतने कम सीन मिले कि कुछ करने को मिला ही नहीं अगर इन रोल के बाद वाला गाना उन पर नहीं फिल्माया गया होता तो आपको लगता है की मूवी में नहीं है उसका सारा फुटेज गाय डबल रोल कर रही तब्बू के हिस्से में लेकिन तब्बू का भी किरदार ओवर एक्सपोज था जिससे विद्या जैसा दम नहीं आ पाया भूत को लोग कम ही झेल पाते हैं ज्यादा दिखाने पर उसका असर कम हो जाता है तब्बू के साथ ऐसा ही हुआ हालांकि पूरी मूवी उनके कंधे पर ही है ऐसे में जो ग्लैमर का तड़का किारा लगा सकती थी वो नहीं हो पाया बाकी के कलाकारों में भी भूल भलिया के मुकाबले वो दम नहीं था प्रियदर्शन की मूवी का एक किरदार ऐसा था जो असरदार लगता था जैसे परेश रावल मनोज जोशी साइनी आहूजा अमीशा पटेल राजपाल यादव विक्रम गोखले और असरानी तक जबकि अनिश बजवी की मूवी में सब मशरे लगते हैं एक किरदार सीरियस नहीं है सिवाय तब्बू के मिलिंद गोड़ा जी ने अपनी जिंदगी का साथ सबसे असरहीन किरदार किया है इस मूवी में कन्फ्यूज ही नजर आते हैं बाकी संजय मिश्रा हो राजपाल यादव हो राजेश शर्मा हो सभी मशे नजर आते हैं भूत से बस इतना ही डरते हैं जितना किसी बंदर या कुत्ते से जिस घर में भूतनी छुट्टा घूम रही है उसी में सभी शादी के कार्यक्रम कर रहे हैं उसे छोड़कर भागते नहीं दिखते भूतनी पकड़ते वक्त भी महिलाओं बच्चों को साथ ले जाते हैं असल में ऐसा होता तो सोचकर देखिए कि वहाँ पर एक पल भी रुका नहीं जाता भले इस मूवी में भी एक जबरदस्त ट्विस्ट डालकर क्लाइमैक्स को बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई है और दिमाग न लगाए तो ज्यादातर को बेहतरीन ही लगेगा लेकिन दिमाग लगाया जाए तो यह राज पहले ही क्यों नहीं खुला जिसे राज पता था उसको तो बस चिल्लाकर सबको इतना ही बताना था आसानी से बता देती भूतनी को कौन रोक सकता था भला सस्ता वर्जन इसलिए भी कहा क्योंकि प्रीतम और तनिष बासकी की मेहनत के बावजूद एक भी गाना लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ा जैसे पिछली बार हरे कृष्णा हरे राम और तेरी आंखें हैं भूल भलेया चढ़े थे हालांकि इस बार भी हरे कृष्णा हरे राम की तरह ओ काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली जैसे काली माके भजन की लाइन तेरा वचन न जाए खाली की लाइन पर रोमांटिक गाना बना दिया गया है कहानी और डायलॉग्स कई फ्लॉप फिल्में लिख चुके आकाश कौशिक की है जिसका स्क्रीन प्ले कहानी से लेकर डायरेक्शन तक में हाथ आजमार है फरहान सामजी ने लिखा है अनिस बचवी ने उन पर दाव लगाया है तो उन्होंने निराश भी नहीं किया है गलती शायद किरदारों को चुनने में हुई है और उनको जरूरत से ज्यादा मशरा बनाने में हुई है जो डर भूल भुलैया हार सीन में पैदा करती है उसमें भूल भुलैया भलेटू कामयाब वाकई में नहीं हुई है लेकिन कॉमेडी मूवीज के शौकीन हैं या कार्तिक आर्यन के फैन है ते मूवी आपके लिए है आपको काफी हंसाएगी ये मूवी एक सिचुएशन कॉमेडी सीन वाकई में अच्छे बन पड़े हैं बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के आरा अडवाणी और तबू स्टारर फिल्म भूल भुलैया टू रिलीज हो चुकी है इस हॉरर कॉमेडी के रिलीज होने का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था यह फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई अक्षय कुमार विद्या बालन और अमीषा पटेल की फिल्म भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की फिल्म है जो पंद्रह साल बाद उसी कहानी को आगे बढ़ाती है फिल्म की कहानी रूहाना यानी कार्तिक आर्यन और रीत ठाकुर यानी कियारा आडवाणी के इर्द गिर्द घूमती है जहां कार्तिक को घूमने फिरने का शौक है तो वही कियारा राजस्थान स्थित अपना घर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए मनाली में है किसी तरह रीत की मौत की झूठी खबर उसके घर पहुंच जाती है और यहीं से फिल्म की आगे की कहानी की शुरुआत होती है बाद में रूहान अपनी दोस्त रीत की मदद करने उसके साथ उसके गाँव जाता है और वहाँ लोगों को यह यकीन दिलाता है कि वो भूत प्रेत और आत्माओं से बात कर सकता है जिसके बाद लोग उन्हें रूह बाबा कहने लगते हैं इन सब के बीच हवेली के कमरे में कई वर्षों से बंद मंजूलका की आत्मा बाहर आना चाहती है इसी की कहानी आगे बढ़ती है फिल्म की कहानी पंद्रह साल पहले रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म की कहानी से काफ़ी मेल खाती है लेकिन इसके बावजूद यह दर्शकों को अलग एक्सपीरियंस देगी कार्तिक आर्यन अपने एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी से कई जगह अक्षय कुमार की याद दिलाते हैं कार्तिक ने फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है तो वही कार्तिक के बाद तब्बू अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने में सफल होती हैं तो वही फिल्म में हॉरर सीन्स आपको निराश नहीं करेंगे इसके अलावा फिल्म में कई कॉमेडी सीन और डायलॉग्स हैं जो दर्शकों को एंटरटेन करते हैं फिल्म के कुछ सीन में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बेकार है कार्तिक आरन क्यारा अडवाणी और तब्बू स्टारर फिल्म भोल भले दो सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी अक्षय कुमार की भूल भलैया को दो में प्रिय ने डायरेक्ट किया था जिसने सिनेमाघरों में जमकर कमाई की थी और दर्शकों ने भी इसे खूब पसंद किया था भूल भलेया के पूरे पंद्रह साल बाद आई इस फिल्म में इस बार अक्षय की जगह कार्तिक आर्यन नजर आ रहे हैं वह इस बार निर्देशन की कमान अनीस बजवी ने अपने हाथ में ली है अनीस बजवी पिछले कुछ समय से लगातार मुबारका पागलपंथी जैसी फ्लॉप कॉमेडी फिल्में दे चुके हैं क्या प्रियदर्शन की इस हॉरर कॉमेडी में इंसाफ कर पाए हैं चलिए आपको बताते हैं कहानी की बात करें तो फिल्म शुरू होती है मंजुलिका के विभिन्त को तांत्रिक की मदद से कमरे में बंद करने से और फिर कहानी सीधे अठारह साल बाद पहुंच जाती है रूहान रंधावा ने कार्तिक आर्यन एक फेमस बिजनेस टाइकून का बेटा है और दुनिया घूमकर अपनी जिंदगी मजे से काट रहा है उसकी मुलाकात होती है रेत यानी कियारा अडवाणी से रेत की मदद करने के लिए उसके कहने पर रूहान पहुंच जाता है राजस्थान के भवानीगढ़ कार्तिक यहाँ पहुंच सबको बताते हैं कि वह भूतों से बात कर सकते हैं और बस रूहान बन जाता है रूह बाबा लेकिन दिक्कत शुरू होती है जब मंजुलका का भूत बाहर आता है इस फिल्म के स्वीकल अनाउंसमेंट के बाद से कार्तिक और अक्षय की तुलना होने लगी थी लेकिन फिल्म देखने के बाद साफ है कि इस नए फ्लेवर की कहानी के लिए कार्तिक आरन की एंट्री जस्टिफाई है कार्तिक ने अपना काम बाखूबी किया है हालांकि कियारा के लिए बहुत कुछ करने के लिए नहीं था क्योंकि ये फिल्म तब्बू की है इस भूल भलेया में भी तब्बू अभिनय के मामले में कहीं भटकती या बहती नजर नहीं आई है दरअसल पुरानी और नई फिल्म में अगर कोई समानता है तो वो है राजस्थान और राजपाल यादव कुछ मजेदार पंचलाइन राजपाल यादव के हिस्से में आई हैं। दरअसल कॉमेडी का काम राजपाल यादव कार्तिक आर्यन और संजय मिश्रा ने संभाला है और बाखूबी संभाला है फिल्म के ज्यादातर डायलॉग काम और हंसाते हंसाते डराने वाला फंडा इस फिल्म में आपको खूब नजर आएगा ये एक फैमिली इंटरटेनर है और आप पूरी फिल्म के साथ इस फिल्म का मजा ले सकते हैं पंद्रह साल पहले आई फिल्म भूल भले अक्षय कुमार की एक जबरदस्त फिल्म थी जिसका असली मैसेज था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता और कई बार ऐसी चीजें हमारे मन का वहम होती हैं अगर आप पहली भूल भलेया के इस इंस्प्रेशन के साथ भूल भलेया टू देखने जा रहे हैं तो आपको लॉजिक तो इस फिल्म में नहीं मिलेगा इस वाली भूल भलैया में भूत भी है आत्माएं भी हैं और कई बार वो सामने दीवार पर चलते हुए भी नजर आते हैं दरअसल भूल भलेया टाइटल होने के चलते आप इस फिल्म का क्लाइमैक्स देखने बाद खुद को ठगा सा महसूस करते हैं मेरी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि आप इसे किसी और भूत वाली फिल्म की तरह दर्शकों के सामने ला सकते थे इसका कोई नया नाम रख सकते थे भूल भले के नाम पर एक तरह से दर्शकों के साथ धोखा है क्योंकि भूल टू अपनी बेसिक थीम को ही तोड़ती नजर आती है आखिर में अनिश बजमी की भूल टू आपको खूब हंसाएगी और खूब डराएगी भी बस क्लाइमेक्स पर थोड़ा और काम किया जा सकता था यह फिल्म आपको अपने परिवार के साथ एक बार जरूर देखनी चाहिए पिछले कुछ समय से ही हिंदी फिल्मों के लिए टिकट खिड़की पर भीड़ नदारद रही है अजय देवगन टाइगर श्राफ और रणबीर सिंह जैसे बड़े बड़े सितारों की फिल्में भी दर्शकों को सिनेमाघर में नहीं खींच पाई ऐसे में बॉलीवुड की उम्मीदें अनीश बजवी की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भलेया टू पर टिकी थी और शायद यह फिल्म इनकी आस को पूरी भी कर दे क्योंकि इसमें एक पारिवारिक एंटरटेनर के सारे मसाले मौजूद थे हाँ टाइटल की वजह से 2007 वाली भूल भलेया से तुलना करने या ज़्यादा दिमाग लगाने मत बैठिएगा वरना निराश हो सकते हैं क्योंकि आकाश कौशिक की लिखी इस कहानी में मंजुलका और दो गाने हरे राम और मेरे डोलना के अलावा पिछली फिल्म से कोई कनेक्शन नहीं है फिल्म की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एक हवेली में घर की बहुरानी तब्बू को चुड़ैल मंजुलका के चंगुल से बचाने के लिए तंत्र मंत्र चल रहा है और तांत्रिक उस आत्मा को निकल हवेली के एक ही कमरे में बंद कर देते हैं जिसके बाद पूरा परिवार हवेली छोड़कर चला जाता है कहानी आज में लौटती है जहाँ रेत यानी कि अडवाड़ी मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद पापा जी की मर्जी से शादी करने के लिए घर लौट रही होती है रास्ते में वह टकरा जाती है रूहान रंधावा कार्तिक आर्यन से जो खुलकर जीने में यकीन रखता है हालात ऐसे बनते हैं कि रेत को पता चलता है कि असल में उसकी बहन और मंगेतर एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए उन्हें एक करने के लिए वह रूहान की मदद से अपने मरने का नाटक करती है और छिपने के लिए पुरानी हवेली पहुंचती है जाहिर है तब सालों बाद हवेली खुली है तो मंजूलका का भूत भी बाहर आएगा इसलिए आगे भूतिया हवेली में खूब धमाचौकड़ी होती है रीत घर वालों के लिए आत्मा बन जाती है जो रूहान आत्मा से बातें करने वाला रूह बाबा बनकर लोगों को बहकाता है अब इस कहानी में लाजिक ढूंढने लगेंगे तो आपको बहुत कुछ अटपटा लगेगा लेकिन फरहान शाम जी की स्क्रीन प्ले और आकाश के डायलॉग हंसाते हैं कॉमेडी के पंच अच्छे बन पड़े हैं जो कार्तिक आर्यन की उम्दा कॉमिक टाइमिंग के चलते हंसाने पर मजबूर करते हैं कार्तिक को फिल्म में अच्छे कॉमिक पंचेस के अलावा अपनी एक्टिंग क्षमता दिखाने का भी पूरा मौका मिला है और उन्होंने ये मौका बिल्कुल गंवाया भी नहीं है उनके फैंस की तादाद इस फिल्म के बाद निश्चित तौर पर बढ़ेगी कियारा आडवाणी अपने किरदार के साथ न्याय करती हैं हालांकि छिपे रहने के चलते कई बार वे काफ़ी देर के लिए स्क्रीन से गायब ही हो जाती हैं वही तब्बू हमेशा की तरह खुद को एफर्टलेस एक्टर साबित करती हैं वो फिल्म की सबसे मजबूत कड़ी हैं इसके अलावा संजय मिश्रा राजपाल यादव और अश्विनी कलेषकर की तिकड़ी भी हंसी की डोज बढ़ाने का काम करती है फिल्म की कंजोर कड़ी इसका क्लाइमैक्स है अक्षय कुमार विद्या बालन वाली भूल भुलैया में जहाँ सस्पेंस आखिर तक बरकरार रहता है इस फिल्म में वह बहुत पहले खुल जाता है जिससे रोमांच कम हो जाता है आखिर के ट्विस्ट का अंदाज़ा भी पहले ही हो जाता है फिल्म जल्दबाजी में ख़त्म की गई लगती है म्यूजिक की बात करें तो हरे राम हरे राम वाले गाने का पूरी फिल्म में अच्छा इस्तेमाल हुआ है इसके अलावा मेरे ढोलना और देताली भी ठीक ठाक हैं कुल मिलाकर क्लाइमैक्स कसा गया होता तो मज़ा ही आ जाता पहले अक्षय कुमार स्टारर फिल्म प्रियदर्शन ने बनाई थी वही कार्तिक की भूल भुलैया भुलेटू को अनिश बजवी ने बनाया है इस फिल्म में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कार्तिक आर्यन है कार्तिक को लेकर काफी कुछ नोटिस कर रहे हैं जैसे उनका अच्छे की तरह चलना बोलना कपड़ों का स्टाइल आदि शुरुआत में लग रहा था कि क्या अक्षय की भूल भुले के आगे कार्तिक की भूल भुलैया अट्टू का दम दिखा पाएगी क्या लोग इसे ऐसे एक्सेप्ट कर पाएंगे बता दें कि एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्म में जान लगाते दिख रहे हैं जी हाँ हार कॉमेडी प्लस रोमांस से भरी फिल्म बोल बलिया टू दर्शकों को कई मौके पर हंसाती भी है और डराने की भी कोशिश करती है कार्तिक फिल्म में चमक रहे हैं उनकी अदाकारी में दिन ब दिन जो निखार आ रहा है उससे फैंस काफ़ी इंप्रेस हैं फिल्म में कार्तिक आर्यन आजकल के नौजवानों जैसे अल्हड़ और बेफिक्रे किस्म के लड़के का किरदार निभा रहे हैं जिसे अचानक एक लड़की इतनी पसंद आ जाती है कि उसकी समस्या को हल करने के लिए वह उसके घर तक पहुंच जाते हैं और यह घर कोई आम घर नहीं है ये एक रजवाड़ा खानदान की हवेली है जो कई सालों से बंद पड़ी है जिसके पीछे की वजह है इस हवेली में मंजुल का रहती है कौन है मंजूल का ये जानने के लिए कार्तिक की फिल्म दर्शकों को अंत तक चीट से चिपके रहने के लिए मजबूर करती है कार्तिक आर्यन से पहले सेम नाम की फिल्म भूल भलेया में सुपरस्टार अक्षय कुमार थे ऐसे में जाहिर सी बात है कि अक्षय कुमार और कार्तिक की भेद तुलना तो होगी ही कार्तिक ने फिल्म के हर सीन में अपना बेस्ट देने के लिए जान फूकी है ऐसे में फिल्म के कई सीन्स में कार्तिक अक्षय वाली एनर्जी लाने में सक्सेसफुल भी होते हैं कार्तिक के हंसने बोलने से लेकर उठने बैठने वाले हाव भाव अक्षय की याद दिलाते हैं लेकिन कार्तिक ने अपने किरदार को इतने अच्छे से निभाया है कि अक्षय की छवि को जोड़ते हुए और एक्सपेरिमेंट करते हुए कार्तिक ने स्क्रीन पर आपसा स्टाइल डालने की कोशिश की है तो ऐसे में स्क्रीन पर कार्तिक की परफॉर्मेंस शानदार है कियारा अडवाणी फिल्म के पहले सीन से बेहद खूबसूरत लग रही हैं फिल्म के हर सीन्स के साथ एक्ट्रेस के कुर्ते काफ़ी चमक रहे हैं जो कि फ़ीमेल फैंस को नया फैशन ट्रेंड दे सकते हैं हालांकि सेकंड हाफ में क्यारा के पास करने के लिए कुछ खास नहीं है इस फिल्म में राजपाल यादव एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी एंट्री पर दर्शक तालियां पीटते दिखाई दिए राजपाल यादव फिल्म के कई सीन्स में बेहद फनी लगे तो वही संजय मिश्रा की अदाकारी भी जबरदस्त है फिल्म की पटकथा अच्छे से बुनी गई है बीच बीच में कहानी में हल्की सी ढील देखने को मिलती है लेकिन तुरंत बाद में रफ्तार भी पकड़ लेती है सेकंड हाफ के बाद फिल्म थोड़ी स्लो नज़र आती है लेकिन बोरिंग नहीं होती ऐसे में इस फिल्म को देखना दर्शकों के लिए एक शानदार एक्सपीरियंस हो सकता है भूल भुलैया टू एक बुरी आत्मा की कहानी है 18 साल पहले राजस्थान के भवानीगढ़ में एक परिवार को मंजुलका की आत्मा परेशान कर रही है एक तांत्रिक बाबा यानी गोविंद नामदेव मंजुलका को हवेली में एक कमरे में फंसा लेता है इसके बाद वह कमरे को सील कर देता है उसी परिवार से रेत यानी कहरा अटवाड़ी पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर रहती है जब वह रूहानिक कार्तिक का आरन से मिलती है तो वह जबरन शादी करने के लिए भवानीगढ़ लौट रही है बस यात्रा करते समय दोनों के बीच बॉन्डिंग हो जाती है रूहान के आग्रह पर वह बस से निकल जाती है और एक संगीत समारोह में भाग लेती है इसी दौरान बस खाई में गिर जाती है जिससे उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो जाती है इसलिए रीत को मृत मान लिया जाता है उसी समय रीत को पता चलता है कि सागर उसका पति रीत की बहन तिरछा से प्यार करता है इसलिए रीत अपने परिवार को यह नहीं बताने का फैसला करती है कि वह जीवित है उम्मीद है कि इससे सागर और तिरसा की बहन की शादी में मदद मिलेगी रीत रूहान से मदद मांगती है दोनों भवानीगढ़ जाते हैं और हवेली में शरण लेते हैं वह का फंसी हुई है क्योंकि हवेली को छोड़ दिया गया है हालांकि छोटा पंडित यानी राजपाल यादव देखता है कि हवेली में लाइटें बंद हैं वह रीत के परिवार वालों को इसकी जानकारी देता है वे सभी हवेली में उतरते हैं रीत छिप जाती है और रूहान उसका सामना करता है रूहान दिखावा करता है कि वह मृतकों के साथ संवाद कर सकता है

पोर्सन को शामिल करता है आकाश कौशिक की पटकथा कहानी के साथ पूरा न्याय करती है लेखक कथा को बहुत ही प्रभावशाली क्षणों के साथ जोड़ते हैं जो रुचि को बनाए रखते हैं पात्र भी काफी मजेदार हैं और इससे मदद मिलती है फरहान शामजी और आकाश कौशिक के डायलॉग स्पर्श लेखा पत्र और ताशा भ्रम के अतिरिक्त संवाद हास्य को बढ़ाते हैं अनिश बजवी का निर्देशन शानदार है उनके हाथ में एक चुनौतीपूर्ण काम था क्योंकि फर्स्ट हाफ की कल्ट फैन फॉलोइंग है हालांकि वह अपने निर्देशन से फिल्म को बेहतर बनाने में कामयाब होते हैं कहानी थोड़ी दिमाग रहित है लेकिन वह इसे इतने सही तरीके से हैंडल करते हैं कि फिल्म में जान डाल देते हैं ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने अपनी पिछली यादगार फिल्मों जैसे नो एंट्री जो कि 2005 में आई थी वेलकम जी की 2007 में आई थी आद का निर्देशन किया था वह अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं और इस संबंध में वह जरा भी निराश नहीं करते हैं हॉरर के मामले में बहुत अच्छा काम करते हैं दूसरी तरफ सेकेंड हाफ की शुरुआत में फिल्म फिसलती है क्लाइमैक्स में फिल्म फिर रफ्तार पकड़ती है बोल बलिया टू की शुरुआत धमाकेदार तरीके से होती है रूहान और रीत की एंट्री मनोरंजक है रीत जिस तरह से अपनी मौत को नकली बनाने का फैसला करती है वह थोड़ा समझ से परे लगता है लेकिन अच्छी तरह से काम करता है रीत के परिवार के साथ रूहान की पहली मुलाकात काफी यादगार है रूहान कैसे रूह बाबा में बदल जाता है या मजेदार है मंजुलका की फ्लैशबैक कहानी फर्स्ट हाफ में दिखाई गई है जो हैरान करने वाली है आमतौर पर ऐसे ट्रैक को सिग्नेट हाफ में प्रमुखता दी जाती है इंड्रॉल पॉइंट और फ्लैशबैक बैक पर सस्पेंस कमाल का है इंटरल के बाद फिल्म की रफ्तार धीमी हो जाती है फिनाले में एक और अप्रत्याशित मोड है परफॉर्मेंस की बात करें तो कार्तिक आर्यन बेहतरीन फॉर्म में है हाज को चित्रित करने का उनका अपना तरीका है और यह अच्छी तरह से काम करता है कियारा आडवाणी स्टीनिंग दिखती हैं और बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करती हैं वह अपने किरदार के साथ पूरा न्याय करती हैं तब्बू एक सरप्राइज पैकेज हैं और अपने करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक करती हैं राजेश शर्मा एक छाप छोड़ते हैं और इसी तरह समर चौहान यानि पोटलू बच्चा राजपाल यादव और संजय मिश्रा मजाकिया लगते हैं अश्विनी कलेषकर ठीक हैं अमर उपाध्याय और मिलिंद गुनाची कुछ खास नहीं है गोविंद नाथदेव का सीमित दायरा मिलता है सागर और रेत का किरदार निभाने वाले कलाकार अच्छे हैं टाइटल ट्रैक आकर्षक है अमी जय तुमार में भूतिया एहसास है देताली और हम नशे में ठीक हैं संदीप सिरोडकर का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है मनो आनंद की सिनेमाटोग्राफी शानदार है रजत पद्दार का प्रोडक्शन डिजाइन बहुत समृद्ध है और हॉरर को बढ़ाता है कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के लिए अकी नरूला का बेहद ग्लैमरस है तब्बू के लिए रिम्पल्स और हरप्रीत नरूला की वेशभूषा भी काबिले तारीफ है बाकी के लिए अंकिता पटेल का, का कास्ट्यूम ठीक है मनोहर वर्मा का एक्शन खून खराबे से रहित है मंदार कुलकर्णी का साउंड डिजाइन प्रभाव को बढ़ाता है आफ्टर स्टूडियोज का बीफेक्स टॉप क्लास का है बंटी नागी का संपादन नियुक्त है कुल मिलाकर भूल भले टू पूरी दृष्टि एंटरटेनर फिल्म है और हॉरर और कॉमेडी के शानदार कॉम्बो के कारण अच्छा काम करती है साल 2007 में आई अक्षय कुमार और विद्या बालन के भूल भुलैये को आखिर कौन भूल सकता है अवनी यानी विद्या बालन और मंजुलका की मिलीजुली कहानी ने हम सभी को खूब डराया था तो वही आदित्य यानी अक्षय कुमार और छोटे पंडित ने राजपाल यादव की कॉमेडी ने हमें खूब हंसाया था मंजुलका ने ही आगे चलकर स्त्री और परी और रूही जैसी फिल्मों के रास्ते खोले थे इस कॉमेडी फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और आज भी पसंद करते हैं तभी तो जब भूल भलेट टू का ऐलान हुआ तो कई फैंस एक्साइटेड और निराश हुए वही जब भूल टू का ऐलान हुआ तो कई कई फैंस एक्साइटेड और निराश हुए थे कार्तिक आर्यन तब्बू और कियारा अडवाड़ी स्टार फिल्म भूल भलेट टू का ट्रेलर काफी अवाय था ट्रेलर देखकर किसी को भी खास मजा नहीं आया था ना ही किसी ने उम्मीद की थी कि यह फिल्म कैसी होगी अब जब हमने फिल्म देख ली है तो कहा जा सकता है कि यह अच्छी है फिल्म भूल भले टू की कहानी पिछली फिल्म से बिल्कुल अलग है लेकिन इसमें पिछली फिल्म जैसे एलिमेंट्स डालने की कोशिश की गई है फिल्म की कहानी एक हवेली से शुरू होती है जहां मंजुलका की आत्मा से परेशान होकर तांत्रिकों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया है अट्ठारह सालों तक हवेली के कमरे में कैद रहने के बाद मंजुलका आजाद होती है तो शुरू होता है भाग और डर का खेल राजपाल यादव एक बार फिर छोटे पंडित के आइकैनिक रोल में कमाल कर रहे हैं तो वही कार्तिक आर्यन रूह बाबा बनकर लोगों के मरे हुए घरवालों से उनका मिलना करवाने लगे हैं वही रूह बाबा एक ढोंगी के अलावा और कुछ भी नहीं है कार्तिक और रूहान को यह सब अपने रीत यानी कैरा अडवाणी के रिश्ते से छुपाने के लिए करना पड़ रहा है दोनों अपनी पोल खोलने से बचने के चक्कर में मंजुलिका के हाथ लग जाते हैं बुलबुलिया टू में कॉमेडी का सही डोज आपको मिलता है कार्तिक क्यारन राजपाल यादव राजेश शर्मा और संजय मिश्रा जैसे स्टार्स ने अपनी कामिक टाइमिंग से कमाल कर दिया है तब वो अपने किरदार में खूब जमी हैं और उनका काम भी बढ़िया है कियारा अडवाड़ी ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है कार्तिक और कियारा की केमिस्ट्री देखने लायक है कार्तिक को अपने आन स्क्रीन रोमांस और कॉमेडी के लिए ही जाना जाता है और इस फिल्म में उनके दोनों रूप देखने को मिले हैं इसमें उन्होंने कमाल भी करके दिखाया है लेकिन कार्तिक के काम की तुलना अक्षय कुमार के रोल से करना गलत होगा फिल्म का निर्देशन अनिस बजवी ने काफी अच्छे से किया है उन्होंने कॉमेडी हॉरर और बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश की है और इसमें सफल भी रहे हैं साथ ही फ़िल्म में इस्तेमाल हुए सी और बीफेक्स भी अच्छा है फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस फिल्म को इम बनाती हैं फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस फिल्म को इम्परफेक्ट बनाती हैं यह फिल्म आपको अपने साथ बांधे रखने में नाकाम होती है इसके कई सीन्स को देखकर आपके मन में आता है कि यह क्या हो रहा है इसमें कई ड्रामेटिक और लाउड डायलॉग हैं और बैकग्राउंड स्कोर कानों में चुभता है फिल्म का एक भी गाना अच्छा नहीं है कुल मिलाकर अगर आप कार्तिक आरन के फैन हैं तो भूल बुलेटू को एक बार जरूर देखें कार्तिक आर्यन हिंदी सिनेमा की मौजूदा पीढ़ी के उन गिने चुने सितारों में है जिनकी पृष्ठभूमि किसी फिल्मी परिवार से नहीं है प्यार का पंचनामा प्यार का पंचनामा टू और सोनू के टी की शूटी जैसी फिल्मों से कार्तिक ने अपनी एक खास पहचान बनाई है इसी पहचान के सहारे उन्होंने लुका छिपी और पति पत्नी और ओ में कामयाबी भी पाई है हिट के उनकी हैट्रिक को पहले इम्तियाज अली ने फिल्म लव आजकल में तोड़ा और फिर मधुवानी की फिल्म का धमाका हुआ कार्तिक हिंदी सिनेमा में एक आम हिंदुस्तानी के संघर्ष की कहानी है कुछ कुछ वैसी है जैसी कहानी उनकी नई फिल्म भूल बुलेटू के हीरो रूहान रंधावा उर्फ रूह बाबा की है यहाँ लोग होते हैं कुछ और और देखते हैं कुछ और ये हिंदी सिनेमा की परंपराओं में चले आ रहे वो निशान हैं जो अब इनके दामन पर धब्बों के सरीखे दिखने लगे हैं कार्तिक के सामने उनकी पिछली दोनों फिल्मों में चुनौती रही है खुद को एक ऐसा कलाकार साबित करने की जो अकेले अपने बूते एक फिल्म को खींच सके नतीजा वह खुद जानते हैं वह अच्छे कलाकार हैं उनकी टीम मिले तो वह चमत्कार कर सकते हैं फिल्म की कहानी पूरी फिल्मी है अंधविश्वास की धारणाएं फिल्म की रूह है हिंदी सिनेमा ऐसी कहानियों से हर दौर में संजीवनी पाता रहा है इस बार भी कुछ ऐसा ही है हिंदी सिनेमा अपने सबसे कठिन दौर में है अमिताभ बच्चन अजय देवगन अक्षय कुमार जॉन अब्राहम से लेकर रणबीर सिंह तक हर बड़े सितारे की दरखती बॉक्स ऑफिस साख के बीच कार्तिक की यह फिल्म रिलीज हुई है जैसा कि नाम से ही इंगित है यह फिल्म अक्षय कुमार विद्या बालन और साइनी आहुजा की कोई दस साल पहले रिलीज हुई इसी नाम की फिल्म की ब्रांडिंग से सासे पाती हैं दोनों फिल्मों का आपस में कोई लेना देना नहीं है फिर भी फिल्म अपनी आग्रजा की याद दिलाती है कहानी रूह और रेत की है दोनों के प्यार में आए पुरानी हवेली के ट्विस्ट भी हैं दोनों के अपने अपने भरोसे हैं और है एक लंबा चौड़ा परिवार जिसका हर किरदार खुद को बाजीगर समझता है फिल्म भूल भूलेंट टू की कहानी में खास जान नहीं है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको किसी नए यूनिवर्स में लेकर जा सके हाँ यह फिल्म बार बार आपको हिलाती जरूर है फिल्म का धरातल बसने में थोड़ा वक्त लगता है और अनीश बजमी अपने बतौर निर्देशक और लेखक बनी सास को बचाए रखने की पूरी कोशिश भी करते हैं निर्देशक के तौर पर अनीश के लिए फिल्म भविष्य की चेतावनी है उन्हें अपने ही बनाए इस कथाकित कॉमेडी के जाल से बाहर निकलना होगा कुछ नई कहानियाँ सोचनी होंगी और अपने निर्देशन में बदलाव करना होगा फिल्म भूल बले टू में वह बस किसी तरह पास हो सके हैं और यह बदलाव हर उस हिंदी फिल्म निर्देशक को अपनी कहानी कलाकारों और नज़रिए में लाना होगा जिसे बदलते दौर में वर्कस ऑफिस पार्टी के रहना है अभिनय के मामले में फिल्म भूल बले टू पूरी तरह से तब्बू की फिल्म है फिल्म इंटरल के बाद जरूरत से ज़्यादा लंबी है लेकिन इस दौरान तब्बू की अदाकारी दर्शकों को बांधे रखती है उनको जैसे ही संवाद मिले उनको उन्होंने अपने अभिनय में साधा है हाँ तब्बू को लेकर फिल्में बनाने वालों को उन्हें उनके नैसर्गिक रूप में प्रदर्शित करने की हिम्मत बांधनी होगी चेहरे पर बहुत ज्यादा फोटोशॉप नए दौर के दर्शकों को समझ में आता है कार्तिक आर्यन अपनी पिछली दो कमजोर फिल्मों के बाद फिर से रंगत में हैं उन्हें लगता भी रहा है कि फिल्म भूल भलेटू में जो कुछ है बस वह वही है वह इस गुमान से कार्तिक को बाहर आना ही होगा नहीं तो उनके लिए कठिनाई और बढ़ेगी कार्तिक के अभिनय में ताजगी है वह फिल्म का चेहरा भी हैं काफी हद तक फिल्म भूल भलेटू में कामयाब रहे कार्तिक के करियर की ये कई पायदान हो सकती हैं केरा अडवाणी अपने दौर की बाकी सारी अभिनेत्रियों जैसा ही अभिनय करती हैं बाल कलाकार सिद्धांत प्रभावित करते हैं राजेश शर्मा राजपाल यादव और संजय मिश्रा ने फिल्म में शोर खूब मचाया है और नए चरित्र अभिनेताओं के हिंदी सिनेमा को अब सख्त जरूरत दिखने लगी है तकनीकी रूप से फिल्म भूल भलेटू अपनी से मदद पाती है मनु आनंद ने फिल्म का तेवर और क्लेवर अपनी पिछली भूल भले जैसा रखने में कामयाबी पाई है अजय वरेकर और दीपक चौधरी ने फिल्म के सेट और वास्तविक लोकेशन के सजावट में प्रभावित किया है फिल्म में बंटी नागी का संपादन थोड़ा सुस्त है और अगर यह फिल्म छोटी करके सिर्फ दो घंटे की हो सकती तो कमाल की फिल्म होती या इसलिए भी क्योंकि प्रीतम और तनिष्क बाजकी मिलकर भी फिल्म का संगीत शानदार नहीं बना सके हैं अमिताभ भट्टाचार्य से एक और यादगार गीत की उम्मीद अब भी बाकी ही है फिल्म बुल बलिया टू हिंदी सिनेमा की लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के बीच कुछ भी नया कर दिखाने का वादा नहीं करती है यही इस फिल्म की कमजोरी भी है और यूएसपी भी सिर्फ मनोरंजन के लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है बड़े सिनेमाघर में लोगों के बीच बैठकर कुछ डरावनी अनुभूति लेनी हो तो यह फिल्म जरूर देखें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रीमेक्स और स्वकल्स का ट्रेंड नया नहीं है अब जब भी ऐसी फिल्में आती हैं तो एक काम जरूर होता है ओरिजिनल फिल्म से इसकी तुलना 2007 में आई प्रियदर्शन की हिट फिल्म भूल भुलैया का स्वीकल आया है भूल भुलैया टू जिसे अनिश बजबी ने डायरेक्ट किया है भूल भुलैया टू पहली वाली फिल्म की लेगसी को कितना मजबूत कर पाती है आज के रूबू में उसी पर बात करेंगे फिल्म की कहानी शुरू होती है रूहान और रीत से जिनके रोल कार्तिक आर्यन और केरा अडवाणी ने निभाए हैं ये दोनों मिलते हैं कनेक्ट करते हैं और हालात इन्हें ले आते हैं राजस्थान के गांव भवानीगढ़ में वही की एक हवेली में कैद है मंजूल का जिसका विद्या बालन वाली मंजूल का से कोई कनेक्शन नहीं है सिवाय बंगाली होने के और आमिर जय तुमार गाने के किसी वजह से सब रूहान को आत्माओं से बात करने वाला एक रूह बवा समझ लेते हैं फिर आगे की सभी घटनाएँ घटती हैं जो अपने एक्सपेक्ट की होंगी फिल्म का प्लाट कभी भी भूल भलेटू का मेजर पॉइंट बनता ही नहीं है ये ऐसी कहानी है जहां आप सब कुछ घरने से पहले जानते हैं लेकिन इसका प्रेडिक्टेबल होना भी फिल्म का पॉइंट है फिल्म का सेंस और लॉजिक जैसे शब्दों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और मेकर्स भी इस बात से अवेयर लगते हैं वह ऑडियंस को एक माइलेंस फिल्म की ऑफर करना चाहते हैं सेंसलेस होने में कोई बुराई नहीं है पर उनके साथ दिक्कत यह है कि आप उसमें कोई लिमिट नहीं रखते आपकी कॉमेडी क्लीसे या ओवर यूज की हुई लगती है ऐसे पंचे जिन पर किसी जमाने में शायद हंसी आती होगी जब समझ थोड़ी कम थी लेकिन अब लगता है कि इसकी क्या जरूरत थी जैसे फिल्म के शुरुआत में रूहान को एक बैग मिलता है उसे लगता है कि इसमें बॉम्ब है लेकिन फिर पता चलता है कि रेत का बैग है यहाँ वो कहता है इस बैग में बॉम्ब नहीं ये तो बॉम्ब का बैग है फिल्म के डायलॉग्स लिखने वाले फरहाद सामजी और आकाश कौशिक इससे बेटर कर फिल्म के डायलॉग्स लिखने वाले फरहाद सामझी और आशा कौशिक इससे बेटर कर सकते थे कार्तिक का किरदार रूहान छिछौरा किस्म का आदमी है को हाथी बोलना और किसी लड़की से जबरदस्त गले लगाना जैसे हरकतें को जस्टिफाई किया गया है फिल्म में अश्विनी कलेषकर संजय मिश्रा राजपाल यादव को भी कॉमिक एलिमेंट्स में एड करने के लिए रखा गया है इन तीनों एक्टर्स की स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी है कि आपको कई मौक़ों पर हंसाएगी लेकिन फिल्म की राइटिंग ने उन्हें ऐसे पंचेज नहीं दिए जो आपको फिल्म देखने के लंबे समय तक याद रहे जैसे भूल भले से छोटे पंडित के डायलॉग हम अब भी रिकॉल कर पाते हैं इस वाली कहानी में भी राजपाल यादव के कैरेक्टर का नाम छोटा पंडित ही है बस पुराने वाले से इसका कोई रिलेशन नहीं है फिल्म की कॉमेडी ही नहीं सिर्फ आउटडेटेड नहीं फिल्म की कॉमेडी ही सिर्फ आउटडेटेड नहीं है हॉरर का हाल भी ऐसा ही है हॉरर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे जंप स्क्र यूज किए गए हैं बार बार लाउड म्यूजिक आना फिल्म के हर हॉरर सीन में आपको लगभग पता होता है कि क्या होने वाला है अब घुंघरू बजने की आवाज़ आएगी मंजुलिका का दरवाजा खड़खड़ाएगा ऐसे में हॉरर सीन आपको डराते नहीं हैं, ना ही उनमें एक्टर्स डरे हुए लगते हैं। खास पर कार्तिक आर्यन कार्तिक को क्लाइमैक्स छोड़ दे तो उनकी एक्टिंग ऐसी नहीं जो आपको फिल्म देखने के बाद याद रहे कियारा के कैरेक्टर को राइटर ठीक से लिखना ही भूल गए जिस वजह से उनकी प्रजेंसी महसूस होती है और कमी खलती नहीं जिस वजह से उनकी प्रजेंस महसूस रहती है और कमी नहीं खिलती एक्टर्स में अगर कोई यहाँ हाईलाइट साबित हुई है तो वो है तब्बू ये उनके करियर का बेस्ट काम नहीं है ना ही यहाँ इंसेंट परफॉर्मेंस की जरूरत थी बस उन्हें देख कर लगता है कि वो अपना काम इंजॉय कर रही हैं फिल्म अपनी तमाम खामियों से गुजरते हुए पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर जो फिल्म का सबसे हाई पॉइंट है रूहान और मंजुलका का फेस ऑफ ऐसा सीन जहां आपको अपना फोन चेक करने की जरूरत महसूस नहीं होती है ऊपर से अरजीत सिंह का गाया अमी जेतुमार जो सीन को एक ऊपर लेवल तक ले जाने का काम करता है फिल्म को देखते वक्त मेरे दिमाग में एक बात बार बार आई की इसका नाम भूल भलेया टू क्यों है वह मंजुलका के जरिए अवनी की मेंटल हेल्थ पर बात की यह मंजुलका को बहुत बना दिया कुछ पुराने किरदारों को सिर्फ उनके नाम के लिए यूज किया इन सवालों के कोई जवाब नहीं है क्योंकि कायदे से फिल्म भूल भुलैया का स्वीकल होने की जगह एक अलग हॉरर कॉमेडी की हो सकती है लेकिन तब मेकर साथ भूल भुलैया के नाम पर ऑडियंस को थिएटर तक ना ला पाते भूल भुलैया टू ऐसी फिल्म है जिसमें अगर आपने की कोशिश की तब आप फिल्म इंजॉय नहीं कर पाएंगे बाकी यहाँ इंटरटेनमेंट के नाम पर वही चीजें परोसी हैं जिन्हें हम दर्जनों बार देख चुके हैं अभिनय के पहलू पर आए तो अभिनेता के तौर पर कार्तिक को यह फिल्म एक पायदान पर ऊपर लेकर जाती है कॉमेडी में उनकी महारत से हम सभी वाकिफ हैं लेकिन अभिनय के दूसरे रंग भी उनमें उमदा हैं फिल्म के क्लाइमैक्स में उन्होंने उसे बाखूबी दर्शाया है तब्बू ने शानदार काम किया है लेकिन उसे और उम्मीद थी कि यारा फिल्म में बहुत खूबसूरत लगी है फिल्म में उनके करने के लिए कुछ खास नहीं था राजपाल यादव एक अरसे बाद लय में दिखे हैं जिसे देखना अच्छा लगता है अश्विनी संजय मिश्रा राजेश कुमार भी अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय करने में कामयाब हुए हैं कुल मिलाकर यह मास एंटरटेनर फिल्म पैसा वसूल है जो प्रिय परिवार के साथ देखी जा सकती है कहानी में हॉरर और कॉमेडी का जो संगम किया है वह दिलचस्प बना है कहानी के अलग अलग किरदार इसे बहुत ही खास बनाते हैं खासकर कार्तिक आर्यन के साथ संजय मिश्रा राजेश कुमार अश्विनी राजपाल यादव और बच्चे के किरदार की जो जुगलबंदी बनी है फिल्म के संवाद भी अच्छे बन पड़े हैं कई अच्छे वन लाइनर पंच भी हैं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी असरदार है जो फिल्म में एक अलग रंग भरता है जिसके लिए मनु आनंद की तारीफ करनी होगी फिल्म का गीत संगीत अच्छा बन पड़ा है फिल्म में कुछ किरदारों और पुरानी फिल्म का आमिज तुमार सांग हरे रामा हरे कृष्णा नास्टायलिजिक फीलिंग भी देता है खामियों पर आए तो फिल्म के सेकंड हाफ में कहानी खींच गई है फिल्म की लंबाई को पंद्रह मिनट कम किया जा सकता था तकनीकी पहलुओं में फिल्म का बी एफेक्ट थोड़ा कमजोर रह गया है तब्बू के चेहरे पर फोटो साफ कई बार अखरता है हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि रेद का पूरा परिवार वहाँ आ पहुंचता है हारर प्लस कॉमेडी का फार्मूला पिछले कुछ वर्षों से बॉलीवुड में सफल रहा है और इसी लाइन पर चलते हुए फिल्म निर्देशक ने भूल भले नाम से फिल्म बनाई है दर्शन ने साथ में और भोल फिल्म थी, जिसका कुछ तार जोड़े गए हैं जैसे मंजुल का नामक चुड़ैल और शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक का फिर इस्तेमाल दर्शकों को भूल भुलेटू देखते समय भूल भुले की याद दिलाता रहता है रूहान यानी कार्तिक आरन और रीत यानी कियारा आडवाणी की अजीब परिस्थितियों में मुलाकात होती है और वे रेत की पुरानी पुश्तैनी हवेली में पहुंच जाते हैं जहां पर मंजुलका की बुरी आत्मा को बंद कर दिया गया है रीत को बचाने के लिए रूहान झूठ बोलता है कि वह भूतों को देख सकता है और बात कर सकता है लेकिन उसे नहीं पता रहता कि एक दिन उसे मंजुलका से सामना करना पड़ेगा मंजुलका का अतीत भी सामने आता है जो दर्शकों को चौंकाता है दर्शकों का मनोरंजन यही उद्देश्य लेकर फिल्म के लेखक और निर्देशक चले हैं और इसमें उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली है बेवजह कोई मैसेज देने या फिल्म को महान बनाने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है हॉरर कॉमेडी रोमांस और चुटिले संवादों के जरिए उन्होंने दर्शकों पर पकड़ बनाई है इस काम में सशक्त कलाकारों का झुंड भी उनकी मदद करता है और कुछ कलाकारों ने स्क्रिप्ट की डिमांड से ज़्यादा डिलीवर किया है फिल्म की शुरुआत भले ही धीमी और असरदायक नहीं लगती अनिस बजवी ने बच्चे का इसी तरह से कैरेक्टर रेडी में भी रखा था बड़े परिवार और रोहन का बाबा बनने को लेकर रचे गए दृश्य बाबा पंडित यानी संजय मिश्रा उसकी पत्नी यानी अश्विनी कलेशकर और छोटा पंडित को लेकर की गई कैमेडी वाले सीन बढ़िया बने हैं और दर्शकों को खूब हंसाते हैं ड्रामे में कई उतार चढ़ाव हैं और फर्स्ट हाफ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करता है इंटरल पॉइंट जोरदार है इंटर के बाद फिल्म में ड्रामा फ्रंट सीन पर आ जाता है कहानी मंजुलका पर शिफ्ट हो जाती है और रूहान बैक सीट पर पहुंच जाता है लेकिन जैसे ही रूहान और रेत हवेली पहुंचते हैं फिल्म दर्शकों पर ग्रिप बना लेती है आकाश कौशिक की लिखी कहानी और स्क्रीन प्ले में कई मजेदार सीन हैं जैसे रेत की आत्मा के साथ चाचा का खेलना एक बदमाश बच्चा जो रूहान के पीछे पड़ा रहता है फिल्म में थोड़े डल मोमेंट्स आते हैं लेकिन बहुत जल्द ही गाड़ी फिर पटरी पर आ जाती है सेकेंड हाफ में कॉमेडी पर हॉरर भारी पड़ी है और कुछ सीन डराते और चौंकाते हैं फिल्म का अंत जल्दबाजी में निपटाया गया है वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में टिके हुए निर्देशक अनिश बजवी ने अपने अनुभव का पूरा उपयोग करते हुए भूल भुलैया ब्लेटू को ऐसी फिल्म के रूप में पेश किया है जो परिवार के साथ देखी जा सकती है अनीश ने कलाकारों से बेहतरीन अभिनय करवाया है और ड्रामे को मनोरंजक और रोचक तरीके से पेश किया है फिल्म कुछ जगह पर उनके हाथ से फिसलती है लेकिन फौरन वह संभाल लेते हैं गानों को भी उन्होंने छोटा रखा है ताकि दर्शकों का ध्यान ना भटके कार्तिक आर्यन अपने कैरेक्टर में एकदम फिट लगे उनकी कॉमिक टाइमिंग जोरदार रही और दर्शकों के मुताबिक उन्होंने एक्सप्रेशन दिए हैं वह है अपने कैरेक्टर को दर्शकों से जोड़ने में सफल रहे हैं कियारा आडवाणी की एक्टिंग भी अच्छी रही तब्बू को इस फिल्म का हीरो कहा जाए तो गलत नहीं होगा खास तौर पर दूसरे हाफ में फिल्म उनके कंधे पर ही टिकी हुई है संजय मिश्रा और राजपाल यादव की कॉमेडी जोरदार रही अश्विनी कलेशकर मिलिंद गोड़ाजी राजेश शर्मा मास्टर समर्थ चौहान सहित सारे चरित्र अभिनेताओं ने अपना अपना पार्ट बाखूबी निभाया है फिल्म के गाने बहुत अपीलिंग नहीं हैं हाँ सामजी और आकाश कौशिक के संवाद जोरदार हैं और दर्शकों को हंसाते हैं संदीप सिरोडकर का बैकग्राउंड म्यूजिक माहौल बनाता है खासतौर पर हॉरर दृश्यों में कुल मिलाकर भूल भुलैया भलेटू ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन का वादा करती है और उसे निभाती भी है अगर आपने बहुत दिनों से कोई कॉमेडी मूवी ना देखी हो बहुत इच्छा कर रही हो और अगर हॉरर कॉमेडी देखने के शौकीन हैं तो बिना रिव्यू देखे भूल भुलैया भलेटू को देखाइए दिमाग घर पर ही रखकर जाएंगे तो पूरी मूवी में जमकर हंसेंगे ठहाके लगाएंगे लेकिन भूल कर भी अक्षय विद्या की ओरिजिनल भूल भुलैया से तुलना करने मत बैठ जाना नहीं तो आपको उसका अपग्रेड वर्जन के बजाय एक सस्ता वर्जन लगेगा कहानी है फिर से मंजुलका की जो अपने पिता और अपनी बहन मंजुलका के साथ राजस्थान के भवानीगढ़ में किसी राजा साहब यानी मिलिंद गोड़ा जी के यहाँ बंगला से आती है पिता को उसके यहाँ नौकरी मिली है लेकिन मंजुलका को पिता का अंजुलका से ज्यादा लगाव पसंद नहीं आता तो वो बदला लेने के लिए काला जादू सीखने लगती है और जब राजा कुंवर साहब उसकी बजाय उसकी बहन से शादी करने का फैसला करते हैं तो गुस्से में अपने पिता का खून करने के बाद कुंवर साहब को भी मारने की कोशिश करती है लेकिन बहन अंजुलका के हाथों मारी जाती है जाहिर है वह भूत बन जाती है और एक तांत्रिक उसे एक कमरे में अभिमंत्रित त्रिशूल दरवाजे पर रखकर बंद कर देता है पिछली फिल्म भी मंजुलका के कमरे में बंद रहने के ऊपर ही थी इसमें भी एक बंगाली गाना है जो पूरी फैमिली गुनगुनाती थी लेकिन कहानी मोड़ लेती है परिवार की बेटी रीत राठौड़ यानी केरा अडवाड़ी जो बाहर पढ़ रही है लेकिन शादी से बचने के लिए वह जिस एक्सीडेंट से बच गई थी उसे मरने की खबर आने के बाद सच नहीं बताती ताकि जिससे शादी हो रही थी उससे उसकी बहन की शादी हो सके इसमें उसकी मदद करता है रास्ते में उसका दोस्त बना रोहन रंधावी यानी कार्तिक आर्यन जो सबको रीत की आखिरी ख्वाहिश बताकर उसकी हवेली में फिर से परिवार वालों को ले आता है जिसमें कि मंजूलका यानी तब्बू बंद है और उसकी हमसकल बहन अंजुल का जो कि वो भी तब्बू ही होती है रित की भाभी है धीरे धीरे वही ड्रामा होता है जो आपने भूल भुलैया में देखा था तमाम भूतिया घटनाएं होती हैं तमाम हंसी के फौर उड़ते हैं कार्तिक आर्यन के भी तमाम सीस ऐसे हैं जो लोगों को काफ़ी हंसाते हैं भूल भुलैया से मूवी इस मामले में थोड़ी अलग है कि इसमें पहले सीन से ही आपको भूत दिखा दिया जाता है ताकि आप ये ना मान लें कि इस मूवी में भी पहली वाली की तरह केमिकल लोचा होगा लेकिन फिर भी इसे उसका सस्ता वर्जन ही माना जाएगा क्योंकि न तो कार्तिक कारण वो वजन पैदा कर पाते हैं जो अक्षय कुमार ने किया था और न ही क्यारा अडवाणी विद्या बालन जैसा करिश्मा कर पाती हैं उसकी वजह भी थी कियारा को कार्तिक के मुकाबले इतने कम सीन मिले कि कुछ करने को मिला ही नहीं अगर इन रोल के बाद वाला गाना उन पर नहीं फिल्माया गया होता तो आपको लगता है की मूवी में नहीं है उसका सारा फुटेज गाय डबल रोल कर रही टबू के हिस्से में लेकिन तब्बू का भी किरदार ओवर एक्सपोज था जिससे विद्या जैसा दम नहीं आ पाया भूत को लोग कम ही झेल पाते हैं ज्यादा दिखाने पर उसका असर कम हो जाता है तब्बू के साथ ऐसा ही हुआ हालांकि पूरी मूवी उनके कंधे पर ही है ऐसे में जो ग्लैमर का तड़का किारा लगा सकती थी वो नहीं हो पाया बाकी के कलाकारों में भी भूल भलैया के मुकाबले वो दम नहीं था प्रियदर्शन की मूवी का एक किरदार ऐसा था जो असरदार लगता था जैसे परेश रावल मनोज जोशी साइनी आहूजा अमीशा पटेल राजपाल यादव विक्रम गोखले और असरानी तक जबकि अनिश बजवी की मूवी में सब मशरे लगते हैं एक किरदार सीरियस नहीं है सिवाय तब्बू के मिलिंद गोड़ा जी ने अपनी जिंदगी का साथ सबसे असरहीन किरदार किया है इस मूवी में कन्फ्यूज ही नजर आते हैं बाकी संजय मिश्रा हो राजपाल यादव हो राजेश शर्मा हो सभी मशे नजर आते हैं भूत से बस इतना ही डरते हैं जितना किसी बंदर या कुत्ते से जिस घर में भूतनी छुट्टा घूम रही है उसी में सभी शादी के कार्यक्रम कर रहे हैं उसे छोड़कर भागते नहीं दिखते भूतनी पकड़ते वक्त भी महिलाओं बच्चों को साथ ले जाते हैं असल में ऐसा होता तो सोचकर देखिए कि वहाँ पर एक पल भी रुका नहीं जाता भले इस मूवी में भी एक जबरदस्त ट्विस्ट डालकर क्लाइमैक्स को बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई है और दिमाग ना लगाए तो ज्यादातर को बेहतरीन ही लगेगा लेकिन दिमाग लगाया जाए तो यह राज पहले ही क्यों नहीं खुला जिसे राज पता था उसको तो बस चिल्लाकर सबको इतना ही बताना था आसानी से बता देती भूतनी को कौन रोक सकता था भला सस्ता वर्जन इसलिए भी कहा क्योंकि प्रीतम और तनिष बासकी की मेहनत के बावजूद एक भी गाना लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ा जैसे पिछली बार हरे कृष्णा हरे राम और तेरी आंखें हैं भूल भले चढ़े थे हालांकि इस बार भी हरे कृष्णा हरे राम की तरह ओ काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली जैसे काली माके भजन की लाइन तेरा वचन न जाए खाली की लाइन पर रोमांटिक गाना बना दिया गया है कहानी और डायलॉग्स कई फ्लॉप फिल्में लिख चुके आकाश कौशिक की है जिसका स्क्रीन प्ले कहानी से लेकर डायरेक्शन तक में हाथ आजमार है फरहान शाम ने लिखा है अनिस बचवी ने उन पर दाव लगाया है तो उन्होंने निराश भी नहीं किया है गलती शायद किरदारों को चुनने में हुई है और उनको जरूरत से ज्यादा मशुरा बनाने में हुई है जो डर भूल भुलैया हारर सीन में पैदा करती है उसमें भूल भुलैया भलेटू कामयाब वाकई में नहीं हुई है लेकिन कॉमेडी मूवीज के शौकीन हैं या कार्तिक आर्यन के फैन है ते मूवी आपके लिए है आपको काफी हंसाएगी ये मूवी एक सिचुएशन कॉमेडी सीन बाकी में अच्छे बन पड़े हैं बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के आरा अडवाणी और तबू स्टारर फिल्म भूल भुलैया टू रिलीज हो चुकी है इस हॉरर कॉमेडी के रिलीज होने का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था यह फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई अक्षय कुमार विद्या बालन और अमीषा पटेल की फिल्म भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की फिल्म है जो पंद्रह साल बाद उसी कहानी को आगे बढ़ाती है फिल्म की कहानी रूहाना यानी कार्तिक आर्यन और रीत ठाकुर यानी कियारा आडवाणी के इर्द गिर्द घूमती है जहां कार्तिक को घूमने फिरने का शौक है तो वही कियारा राजस्थान स्थित अपना घर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए मनाली में है किसी तरह रीत की मौत की झूठी खबर उसके घर पहुंच जाती है और यहीं से फिल्म की आगे की कहानी की शुरुआत होती है बाद में रूहान अपनी दोस्त रीत की मदद करने उसके साथ उसके गाँव जाता है और वहाँ लोगों को यह यकीन दिलाता है कि वो भूत प्रेत और आत्माओं से बात कर सकता है जिसके बाद लोग उन्हें रूह बाबा कहने लगते हैं इन सब के बीच हवेली के कमरे में कई वर्षों से बंद मंजूलका की आत्मा बाहर आना चाहती है इसी की कहानी आगे बढ़ती है फिल्म की कहानी पंद्रह साल पहले रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म की कहानी से काफ़ी मेल खाती है लेकिन इसके बावजूद यह दर्शकों को अलग एक्सपीरियंस देगी कार्तिक आर्यन अपने एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी से कई जगह अक्षय कुमार की याद दिलाते हैं कार्तिक ने फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है तो वही कार्तिक के बाद तब्बू अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने में सफल होती हैं तो वही फिल्म में हॉरर सीन्स आपको निराश नहीं करेंगे इसके अलावा फिल्म में कई कॉमेडी सीन और डायलॉग्स हैं जो दर्शकों को एंटरटेन करते हैं फिल्म के कुछ सीन में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बेकार है कार्तिक आरन क्यारा अडवाड़ी और तब्बू स्टारर फिल्म भोल भले दो सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी थी अक्षय कुमार की भूल भलैया को दो में प्रिय ने डायरेक्ट किया था जिसने सिनेमाघरों में जमकर कमाई की थी और दर्शकों ने भी इसे खूब पसंद किया था भोल भले के पूरे पंद्रह साल बाद आई इस फिल्म में इस बार अक्षय की जगह कार्तिक आर्यन नजर आ रहे हैं वह इस बार निर्देशन की कमान अनिश बजवी ने अपने हाथ में ली है अनिश बज्वी पिछले कुछ समय से लगातार मुबारका पागलपंथी जैसी फ्लॉप कॉमेडी फिल्में दे चुके हैं क्या प्रियदर्शन की इस हॉरर कॉमेडी में इंसाफ कर पाए हैं चलिए आपको बताते हैं कहानी की बात करें तो फिल्म शुरू होती है मंजुलिका के विभिन्त को तांत्रिक की मदद से कमरे में बंद करने से और फिर कहानी सीधे अठारह साल बाद पहुंच जाती है रूहान रंधावा ने कार्तिक आर्यन एक फेमस बिजनेस टाइकून का बेटा है और दुनिया घूमकर अपनी जिंदगी मजे से काट रहा है उसकी मुलाकात होती है रेत यानी कियारा अडवाणी से रेत की मदद करने के लिए उसके कहने पर रूहान पहुंच जाता है राजस्थान के भवानीगढ़ कार्तिक यहाँ पहुंच सबको बताते हैं कि वह भूतों से बात कर सकते हैं और बस रूहान बन जाता है रूह बाबा लेकिन दिक्कत शुरू होती है जब मंजुलका का भूत बाहर आता है इस फिल्म के स्वीकल अनाउंसमेंट के बाद से कार्तिक और अक्षय की तुलना होने लगी थी लेकिन फिल्म देखने के बाद साफ है कि इस नए फ्लेवर की कहानी के लिए कार्तिक आरन की एंट्री जस्टिफाई है कार्तिक ने अपना काम बाखूबी किया है हालांकि कियारा के लिए बहुत कुछ करने के लिए नहीं था क्योंकि ये फिल्म तब्बू की है इस भूल भलेया में भी तब्बू अभिनय के मामले में कहीं भटकती या बहती नजर नहीं आई है दरअसल पुरानी और नई फिल्म में अगर कोई समानता है तो वो है राजस्थान और राजपाल यादव कुछ मजेदार पंचलाइन राजपाल यादव के हिस्से में आई हैं। दरअसल कॉमेडी का काम राजपाल यादव कार्तिक आर्यन और संजय मिश्रा ने संभाला है और बाखूबी संभाला है फिल्म के ज्यादातर डायलॉग काम और हंसाते हंसाते डराने वाला फंडा इस फिल्म में आपको खूब नजर आएगा ये एक फैमिली इंटरटेनर है और आप पूरी फिल्म के साथ इस फिल्म का मजा ले सकते हैं पंद्रह साल पहले आई फिल्म भूल भले अक्षय कुमार की एक जबरदस्त फिल्म थी जिसका असली मैसेज था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता और कई बार ऐसी चीजें हमारे मन का वहम होती हैं अगर आप पहली भूल भलैया के इस इंस्प्रेशन के साथ भूल भलेया टू देखने जा रहे हैं तो आपको लॉजिक तो इस फिल्म में नहीं मिलेगा इस वाली भूल भलैया में भूत भी है आत्माएं भी हैं और कई बार वो सामने दीवार पर चलते हुए भी नजर आते हैं दरअसल भूल भलेया टाइटल होने के चलते आप इस फिल्म का क्लाइमैक्स देखने बाद खुद को ठगा सा महसूस करते हैं मेरी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि आप इसे किसी और भूत वाली फिल्म की तरह दर्शकों के सामने ला सकते थे इसका कोई नया नाम रख सकते थे भूल भले के नाम पर एक तरह से दर्शकों के साथ धोखा है क्योंकि भूल भलेटू अपनी बेसिक थीम को ही तोड़ती नजर आती है आखिर में अनिश बजमी की भूल भलेटू आपको खूब हंसाएगी और खूब डराएगी भी बस क्लाइमेक्स पर थोड़ा और काम किया जा सकता था यह फिल्म आपको अपने परिवार के साथ एक बार जरूर देखनी चाहिए पिछले कुछ समय से ही हिंदी फिल्मों के लिए टिकट खिड़की पर भीड़ नदारद रही है अजय देवगन टाइगर शराफ और रणबीर सिंह जैसे बड़े बड़े सितारों की फिल्में भी दर्शकों को सिनेमाघर में नहीं खींच पाई ऐसे में बॉलीवुड की उम्मीदें अनिश बजवी की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भलेया टू पर टिकी थी और शायद यह फिल्म इनकी आस को पूरी भी कर दे क्योंकि इसमें एक पारिवारिक एंटरटेनर के सारे मसाले मौजूद थे हाँ टाइटल की वजह से 2007 वाली भूल भलेया से तुलना करने या ज्यादा दिमाग लगाने मत बैठिएगा वरना निराश हो सकते हैं क्योंकि आकाश कौशिक की लिखी इस कहानी में मंजुलका और दो गाने हरे राम और मेरे डोलना के अलावा पिछली फिल्म से कोई कनेक्शन नहीं है फिल्म की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एक हवेली में घर की बहुरानी तब्बू को चुड़ैल मंजुलका के चंगुल से बचाने के लिए तंत्र मंत्र चल रहा है और तांत्रिक उस आत्मा को निकल हवेली के एक ही कमरे में बंद कर देते हैं जिसके बाद पूरा परिवार हवेली छोड़कर चला जाता है कहानी आज में लौटती है जहाँ रीत यानी अडवाड़ी मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद पापा जी की मर्जी से शादी करने के लिए घर लौट रही होती है रास्ते में वह टकरा जाती है रूहान रंधावा कार्तिक आर्यन से जो खुलकर जीने में यकीन रखता है हालात ऐसे बनते हैं कि रेत को पता चलता है कि असल में उसकी बहन और मंगेतर एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए उन्हें एक करने के लिए वह रूहान की मदद से अपने मरने का नाटक करती है और छिपने के लिए पुरानी हवेली पहुंचती है जाहिर है तब सालों बाद हवेली खुली है तो मंजूलका का भूत भी बाहर आएगा इसलिए आगे भूतिया हवेली में खूब धमाचौकड़ी होती है रीत घर वालों के लिए आत्मा बन जाती है जो रूहान आत्मा से बातें करने वाला रूह बाबा बनकर लोगों को बहकाता है अब इस कहानी में लाजिक ढूंढने लगेंगे तो आपको बहुत कुछ अटपटा लगेगा लेकिन फरहान शाम जी की स्क्रीन प्ले और आकाश के डायलॉग हंसाते हैं कॉमेडी के पंच अच्छे बन पड़े हैं जो कार्तिक आर्यन की उम्दा कॉमिक टाइमिंग के चलते हंसाने पर मजबूर करते हैं कार्तिक को फिल्म में अच्छे कॉमिक पंचे के अलावा अपनी एक्टिंग क्षमता दिखाने का भी पूरा मौका मिला है और उन्होंने ये मौका बिल्कुल गंवाया भी नहीं है उनके फैंस की तादाद इस फिल्म के बाद निश्चित तौर पर बढ़ेगी कियारा आडवाणी अपने किरदार के साथ न्याय करती हैं हालांकि छिपे रहने के चलते कई बार वे काफ़ी देर के लिए स्क्रीन से गायब ही हो जाती हैं वही तब्बू हमेशा की तरह खुद को एफर्टलेस एक्टर साबित करती हैं वो फिल्म की सबसे मजबूत कड़ी हैं इसके अलावा संजय मिश्रा राजपाल यादव और अश्विनी कलेशकर की तिकड़ी भी हंसी की डोज बढ़ाने का काम करती है फिल्म की कमजोर कड़ी इसका क्लाइमैक्स है अक्षय कुमार विद्या बालन वाली भूल भुलैया में जहाँ सस्पेंस आखिर तक बरकरार रहता है इस फिल्म में वह बहुत पहले खुल जाता है जिससे रोमांच कम हो जाता है आखिर के ट्विस्ट का अंदाज़ा भी पहले ही हो जाता है फिल्म जल्दबाजी में ख़त्म की गई लगती है म्यूजिक की बात करें तो हरे राम हरे राम वाले गाने का पूरी फिल्म में अच्छा इस्तेमाल हुआ है इसके अलावा मेरे ढोलना और देताली भी ठीक ठाक हैं कुल मिलाकर क्लाइमैक्स कसा गया होता तो मज़ा ही आ जाता पहले अक्षय कुमार स्टारर फिल्म प्रियदर्शन ने बनाई थी वही कार्तिक की भूल भुलैया भलेट्टू को अनिश बजवीर ने बनाया है इस फिल्म में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कार्तिक आर्यन है कार्तिक को लेकर काफी कुछ नोटिस कर रहे हैं जैसे उनका अच्छे की तरह चलना बोलना कपड़ों का स्टाइल आदि शुरुआत में लग रहा था कि क्या अक्षय की भूल भुलैया के आगे कार्तिक की भूल भुलैया अट्टू का दम दिखा पाएगी क्या लोग इसे ऐसे एक्सेप्ट कर पाएंगे बता दें कि एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्म में जान लगाते दिख रहे हैं जी हाँ हार कॉमेडी प्लस रोमांस से भरी फिल्म बोल बलिया टू दर्शकों को कई मौके पर हंसाती भी है और डराने की भी कोशिश करती है कार्तिक फिल्म में चमक रहे हैं उनकी अदाकारी में दिन ब दिन जो निखार आ रहा है उससे फैंस काफ़ी इंप्रेस हैं फिल्म में कार्तिक आर्यन आजकल के नौजवानों जैसे अल्हड़ और बेफिक्रे किस्म के लड़के का किरदार निभा रहे हैं जिसे अचानक एक लड़की इतनी पसंद आ जाती है कि उसकी समस्या को हल करने के लिए वह उसके घर तक पहुंच जाते हैं और यह घर कोई आम घर नहीं है ये एक रजवाड़ा खानदान की हवेली है जो कई सालों से बंद पड़ी है जिसके पीछे की वजह है इस हवेली में मंजुल का रहती है कौन है मंजूल का ये जानने के लिए कार्तिक की फिल्म दर्शकों को अंत तक चीट से चिपके रहने के लिए मजबूर करती है कार्तिक आर्यन से पहले सेम नाम की फिल्म भोल भलेया में सुपरस्टार अक्षय कुमार थे ऐसे में जाहिर सी बात है कि अक्षय कुमार और कार्तिक की भेद तुलना तो होगी ही कार्तिक ने फिल्म के हर सीन में अपना बेस्ट देने के लिए जान फूकी है ऐसे में फिल्म के कई सीन्स में कार्तिक अक्षय वाली एनर्जी लाने में सक्सेसफुल भी होते हैं कार्तिक के हंसने बोलने से लेकर उठने बैठने वाले हाव भाव अक्षय की याद दिलाते हैं लेकिन कार्तिक ने अपने किरदार को इतने अच्छे से निभाया है कि अक्षय की छवि को जोड़ते हुए और एक्सपेरिमेंट करते हुए कार्तिक ने स्क्रीन पर आपसा स्टाइल डालने की कोशिश की है तो ऐसे में स्क्रीन पर कार्तिक की परफॉर्मेंस शानदार है कियारा अडवाणी फिल्म के पहले सीन से बेहद खूबसूरत लग रही हैं फिल्म के हर सीन्स के साथ एक्ट्रेस के कुर्ते काफ़ी चमक रहे हैं जो कि फ़ीमेल फैंस को नया फैशन ट्रेंड दे सकते हैं हालांकि सेकंड हाफ में क्यारा के पास करने के लिए कुछ खास नहीं है इस फिल्म में राजपाल यादव एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी एंट्री पर दर्शक तालियां पीटते दिखाई दिए राजपाल यादव फिल्म के कई सीन्स में बेहद फनी लगे तो वे संजय मिश्रा की अदाकारी भी जबरदस्त है फिल्म की पटकथा अच्छे से बुनी गई है बीच बीच में कहानी में हल्की सी ढील देखने को मिलती है लेकिन तुरंत बाद में रफ्तार भी पकड़ लेती है सेकंड हाफ के बाद फिल्म थोड़ी स्लो नज़र आती है लेकिन बोरिंग नहीं होती ऐसे में इस फिल्म को देखना दर्शकों के लिए एक शानदार एक्सपीरियंस हो सकता है भूल भुलैया टू एक बुरी आत्मा की कहानी है 18 साल पहले राजस्थान के भवानीगढ़ में एक परिवार को मंजुलका की आत्मा परेशान कर रही है एक तांत्रिक बाबा यानी गोविंद नामदेव मंजुलका को हवेली में एक कमरे में फंसा लेता है इसके बाद वह कमरे को सील कर देता है उसी परिवार से रेत यानी कहरा अडवाड़ी पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर रहती है जब वह रूहान यानी कार्तिक का आरन से मिलती है तो वह जबरन शादी करने के लिए भवानीगढ़ लौट रही है बस यात्रा करते समय दोनों के बीच बॉन्डिंग हो जाती है रूहान के आग्रह पर वह बस से निकल जाती है और एक संगीत समारोह में भाग लेती है इसी दौरान बस खाई में गिर जाती है जिससे उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो जाती है इसलिए रीत को मृत मान लिया जाता है उसी समय रीत को पता चलता है कि सागर उसका पति रीत की बहन तिरछा से प्यार करता है इसलिए रीत अपने परिवार को यह नहीं बताने का फैसला करती है कि वह जीवित है उम्मीद है कि इससे सागर और तिरसा की बहन की शादी में मदद मिलेगी रीत रूहान से मदद मांगती है दोनों भवानीगढ़ जाते हैं और हवेली में शरण लेते हैं वह मंजुलका फंसी हुई है क्योंकि हवेली को छोड़ दिया गया है हालांकि छोटा पंडित यानी राजपाल यादव देखता है कि हवेली में लाइटें बंद हैं वह रीत के परिवार वालों को इसकी जानकारी देता है वे सभी हवेली में उतरते हैं रीत छिप जाती है और रूहान उसका सामना करता है रूहान दिखावा करता है कि वह मृतकों के साथ संवाद कर सकता है

पोर्सन को शामिल करता है आकाश कौशिक की पटकथा कहानी के साथ पूरा न्याय करती है लेखक कथा को बहुत ही प्रभावशाली क्षणों के साथ जोड़ते हैं जो रुचि को बनाए रखते हैं पात्र भी काफी मज़ेदार हैं और इससे मदद मिलती है फरहान शामजी और आकाश कौशिक के डायलॉग स्पर्श पत्र और ताशा भ्रम के अतिरिक्त संवाद हास्य को बढ़ाते हैं अनिश बजवी का निर्देशन शानदार है उनके हाथ में एक चुनौतीपूर्ण काम था क्योंकि फर्स्ट आपकी कल्ट फैन फॉलोइंग है हालांकि वह अपने निर्देशन से फिल्म को बेहतर बनाने में कामयाब होते हैं कहानी थोड़ी दिमाग रहित है लेकिन वह इसे इतने सही तरीके से हैंडल करते हैं कि फिल्म में जान डाल देते हैं ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने अपनी पिछली यादगार फिल्मों जैसे नो एंट्री जो कि 2005 में आई थी वेलकम जी की 2007 में आई थी आद का निर्देशन किया था वह अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं और इस संबंध में वह जरा भी निराश नहीं करते हैं हॉरर के मामले में बहुत अच्छा काम करते हैं दूसरी तरफ सेकंड हाफ की शुरुआत में फिल्म फिसलती है शुक्र क्लाइमैक्स में फिल्म फिर रफ्तार पकड़ती है बोल ब्लेयर टू की शुरुआत धमाकेदार तरीके से होती है रूहान और रीत की एंट्री मनोरंजक है रीत जिस तरह से अपनी मौत को नकली बनाने का फैसला करते है वह थोड़ा समस्या परे लगता है लेकिन अच्छी तरह से काम करता है रीत के परिवार के साथ रूहान की पहली मुलाकात काफी यादगार है रूहान कैसे रूह बाबा में बदल जाता है या मजेदार है मंजुलका की फ्लैशबैक कहानी फर्स्ट हाफ में दिखाई गई है जो हैरान करने वाली है आमतौर पर ऐसे ट्रैक को सेकेंड हाफ में प्रमुखता दी जाती है इंटर पॉइंट और फ्लैशबैक पर सस्पेंस का है एंट्रोल के बाद फिल्म की रफ्तार धीमी हो जाती है फिनाले में एक और अप्रत्याशित मोड़ है परफॉर्मेंस की बात करें तो कार्तिक आर्यन बेहतरीन फॉर्म में हैं हाज को चित्रित करने का उनका अपना तरीका है और यह अच्छी तरह से काम करता है कियारा आडवाणी स्टिनिंग दिखती हैं और बहुत ही उमदा प्रदर्शन करती हैं वह अपने किरदार के साथ पूरा न्याय करती हैं तब्बू एक सरप्राइज पैकेज हैं और अपने करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक करती हैं राजेश शर्मा एक छाप छोड़ते हैं और इसी तरह समर चौहान यानी पोटलू बच्चा राजपाल यादव और संजय मिश्रा मजाकिया लगते हैं हसनी कलेषकर ठीक हैं अमर उपाध्याय और मिलिंद गुनाजी कुछ खास नहीं है गोविंद नानदेव का सीमित दायरा मिलता है सागर और रेत का किरदार निभाने वाले कलाकार अच्छे हैं टाइटल ट्रैक आकर्षक है अमीज तुमार में भूतिया एहसास है देताली और हम नशे में ठीक हैं संदीप सिरोडकर का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है मन आनंद की सिनेमाटोग्राफी शानदार है रजत पद्दार का प्रोडक्शन डिजाइन बहुत समृद्ध है और हॉरर को बढ़ाता है कार्तिक आर्यन और केरा आडवाणी के लिए अकी नरूला का बेहद ग्लैमरस है तब्बू के लिए रिम्पल्स और हरप्रीत नरूला की वेशभूषा भी काबिले तारीफ है बाकी के लिए अंकिता पटेल का कॉस्ट्यूम ठीक है मनोहर वर्मा का एक्शन खून खराबे से रहित है मंदार कुलकर्णी का साउंड डिजाइन प्रभाव को बढ़ाता है आफ्टर स्टूडियोज का बीफेक्स टॉप क्लास का है बंटी नागी का संपादन नियुक्त है कुल मिलाकर भूल भलेटू पूरी तरह से एंटरटेनर फिल्म है और हॉरर और कॉमेडी के शानदार कॉम्बो के कारण अच्छा काम करती है साल 2007 में आई अक्षय कुमार और विद्या बालन के भूल भुलेया को आखिर कौन भूल सकता है अवनी यानी विद्या बालन और मंजुलका की मिली जुली कहानी ने हम सभी को खोब डराया था तो वही आदित्य यानी अक्षय कुमार और छोटे पंडित यानी राजपाल यादव की कॉमेडी ने हमें खूब हंसाया था मंजुलका ने ही आगे चलकर स्त्री और परी और रोहित जैसी फिल्मों के रास्ते खोले थे इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और आज भी पसंद करते हैं तभी तो जब भूल भुलैया टू का ऐलान हुआ तो कई फैंस एक्साइटेड और निराश हुए वही जब भूल भले टू का ऐलान हुआ तो कई फैंस एक्साइटेड और कई निराश हुए थे कार्तिक आर्यन तब्बू और कियारा अडवाड़ी स्टार फिल्म भूल भले टू का ट्रेलर काफ़ी अवाई अवायं था ट्रेलर देखकर किसी को भी खास मजा नहीं आया था ना ही किसी ने उम्मीद की थी कि यह फिल्म कैसी होगी अब जब हमने फिल्म देख ली है तो कहा जा सकता है कि यह अच्छी है फिल्म भूल भले टू की कहानी पिछली फिल्म से बिल्कुल अलग है लेकिन इसमें पिछली फिल्म जैसे एलिमेंट्स डालने की कोशिश की गई है फिल्म की कहानी एक हवेली से शुरू होती है जहाँ मंजुलका की आत्मा से परेशान होकर तांत्रिकों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया है अट्ठारह सालों तक हवेली के कमरे में कैद रहने के बाद मंजुलका आजाद होती है तो शुरू होता है भाग और डर का खेल राजपाल यादव एक बार फिर छोटे पंडित के आइकैनिक रोल में कमाल कर रहे हैं तो वही कार्तिक आर्यन रूह बाबा बनकर लोगों के मरे हुए घरवालों से उनका मिलना करवाने लगे हैं वही रूह बाबा एक ढोंगी के अलावा और कुछ भी नहीं है कार्तिक और ब्रुहान को यह सब अपने रीत यानी कियारा अडवाणी के रिश्ते से छुपाने के लिए करना पड़ रहा है दोनों अपनी पोल खोलने से बचने के चक्कर में मंजुलिका के हाथ लग जाते हैं बुलबुलिया टू में कॉमेडी का सही डोज आपको मिलता है कार्तिक कैरन राजपाल यादव राजेश शर्मा और संजय मिश्रा जैसे स्टार्स ने अपनी कामिक टाइमिंग से कमाल कर दिया है तब वो अपने किरदार में खूब जमी हैं और उनका काम भी बढ़िया है कियारा अडवाणी ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है कार्तिक और कियारा की केमिस्ट्री देखने लायक है कार्तिक को अपने आन स्क्रीन रोमांस और कॉमेडी के लिए ही जाना जाता है और इस फिल्म में उनके दोनों रूप देखने को मिले हैं इसमें उन्होंने कमाल भी करके दिखाया है लेकिन कार्तिक के काम की तुलना अक्षय कुमार के रोल से करना गलत होगा फिल्म का निर्देशन अनीश बजवी ने काफी अच्छे से किया है उन्होंने कॉमेडी हॉरर और बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश की है और इसमें सफल भी रहे हैं साथ ही फिल्म में इस्तेमाल हुए सीजीआई और बी भी अच्छा है फिर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस फिल्म को इम्परफेक्ट बनाती हैं फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस फिल्म को इम्परफेक्ट बनाती हैं यह फिल्म आपको अपने साथ बांधे रखने में नाकाम होती है इसके कई सीन्स को देख आपके मन में आता है कि यह क्या हो रहा है इसमें कई ड्रामेटिक और लाउड डायलॉग हैं और बैकग्राउंड स्कोर कानों में चुभता है फिल्म का एक भी गाना अच्छा नहीं है कुल मिलाकर अगर आप कार्तिक के फैन हैं तो भूल बलेटू को एक बार जरूर देखें कार्तिक आर्यन हिंदी सिनेमा की मौजूदा पीढ़ी के उन गिने चुने सितारों में है जिनकी पृष्ठभूमि किसी फिल्मी परिवार से नहीं है प्यार का पंचनामा प्यार का पंचनामा टू और सोनू के टी की शूटी जैसी फिल्मों से कार्तिक ने अपनी एक खास पहचान बनाई है इसी पहचान के सहारे उन्होंने लुका छिपी और पति पत्नी और ओ में कामयाबी भी पाई है हिट के उनकी हैट्रिक को पहले इम्तियाज अली ने फिल्म लव आजकल में तोड़ा और फिर मधुवानी की फिल्म का धमाका हुआ कार्तिक हिंदी सिनेमा में एक आम हिंदुस्तानी के संघर्ष की कहानी है कुछ कुछ वैसी है जैसी कहानी उनकी नई फिल्म भूल बुलेटू के हीरो रूहान रंधावा उर्फ रूह बाबा की है यहाँ लोग होते हैं कुछ और और देखते हैं कुछ और ये हिंदी सिनेमा की परंपराओं में चले आ रहे वो निशान हैं जो अब इनके दामन पर धब्बों के सरीखे दिखने लगे हैं कार्तिक के सामने उनकी पिछली दोनों फिल्मों में चुनौती रही है खुद को एक ऐसा कलाकार साबित करने की जो अकेले अपने बूते एक फिल्म को खींच सके

कार्तिक की यह फिल्म रिलीज हुई है जैसा कि नाम से ही इंगित है यह फिल्म अक्षय कुमार विद्या बालन और साइनी आहूजा की कोई दस साल पहले रिलीज हुई इसी नाम की फिल्म की ब्रांडिंग से सासे पाती हैं दोनों फिल्मों का आपस में कोई लेना देना नहीं है फिर भी फिल्म अपनी आग्रजा की याद दिलाती है कहानी रूह और रीत की है दोनों के प्यार में आए पुरानी हवेली के ट्विस्ट भी हैं दोनों के अपने अपने भरोसे हैं और है एक लंबा चौड़ा परिवार जिसका हर किरदार खुद को बाजीगर समझता है फिल्म भूल भूलें टू की कहानी में खास जान नहीं है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको किसी नए यूनिवर्स में लेकर जा सके हाँ यह फिल्म बार बार आपको हिलाती जरूर है फिल्म का धरातल बसने में थोड़ा वक्त लगता है और अनीश बजमी अपने बतौर निर्देशक और लेखक बनी सास को बचाए रखने की पूरी कोशिश भी करते हैं निर्देशक के तौर पर अनीश के लिए फिल्म भविष्य की चेतावनी है उन्हें अपने ही बनाए इस कथाकित कॉमेडी के जाल से बाहर निकलना होगा कुछ नई कहानियाँ सोचनी होंगी और अपने निर्देशन में बदलाव करना होगा फिल्म भूल बले टू में वह बस किसी तरह पास हो सके हैं और यह बदलाव हर उस हिंदी फिल्म निर्देशक को अपनी कहानी कलाकारों और नजरिए में लाना होगा जिसे बदलते दौर में वर्कश ऑफिस पर टिके रहना है अभिनय के मामले में फिल्म भूल बले टू पूरी तरह से तब्बू की फिल्म है फिल्म इंटरल के बाद जरूरत से ज़्यादा लंबी है लेकिन इस दौरान तब्बू की अदाकारी दर्शकों को बांधे रखती है उनको जैसे ही संवाद मिले उनको उन्होंने अपने अभिनय में साधा है हाँ तब्बू को लेकर फिल्में बनाने वालों को उन्हें उनके नैसर्गिक रूप में प्रदर्शित करने की हिम्मत बांधनी होगी चेहरे पर बहुत ज्यादा फोटोशॉप नए दौर के दर्शकों को समझ में आता है कार्तिक आर्यन अपनी पिछली दो कमजोर फिल्मों के बाद फिर से रंगत में हैं उन्हें लगता भी रहा है कि फिल्म भूल भलेटू में जो कुछ है बस वह वही है वह इस गुमान से कार्तिक को बाहर आना ही होगा नहीं तो उनके लिए कठिनाई और बढ़ेगी कार्तिक के अभिनय में ताजगी है वह फिल्म का चेहरा भी हैं काफी हद तक फिल्म भूल भलेटू में कामयाब रहे कार्तिक के करियर की ये कई पायदान हो सकती हैं केरा अडवाणी अपने दौर की बाकी सारी अभिनेत्रियों जैसा ही अभिनय करती हैं बाल कलाकार सिद्धांत प्रभावित करते हैं राजेश शर्मा राजपाल यादव और संजय मिश्रा ने फिल्म में शोर खूब मचाया है और नए चरित्र अभिनेताओं के हिंदी सिनेमा को अब सख्त जरूरत दिखने लगी है तकनीकी रूप से फिल्म भूल भले टू अपनी से मदद पाती है मनु आनंद ने फिल्म का तेवर और क्लेवर अपनी पिछली भूल भलेया जैसा रखने में कामयाबी पाई है अजय वरेकर और दीपक चौधरी ने फिल्म के सेट और वास्तविक लोकेशन के सजावट में प्रभावित किया है फिल्म में बंटी नागी का संपादन थोड़ा सुस्त है और अगर यह फिल्म छोटी करके सिर्फ दो घंटे की हो सकती तो कमाल की फिल्म होती या इसलिए भी क्योंकि प्रीतम और तनिष बाजकी मिलकर भी फिल्म का संगीत शानदार नहीं बना सके हैं अमिताभ भट्टाचार्य से एक और यादगार गीत की उम्मीद अब भी बाकी ही है फिल्म भूलिया टू हिंदी सिनेमा की लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के बीच कुछ भी नया कर दिखाने का वादा नहीं करती है यही इस फिल्म की कमजोरी भी है और यूएसपी भी सिर्फ मनोरंजन के लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है बड़े सिनेमाघर में लोगों के बीच बैठकर कुछ डरावनी अनुभूति लेनी हो तो यह फिल्म जरूर देखें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रिमेक्स और स्वक्स का ट्रेंड नया नहीं है अब जब भी ऐसी फिल्में आती हैं तो एक काम जरूर होता है ओरिजिनल फिल्म से इसकी तुलना 2007 में आई प्रियदर्शन की हिट फिल्म भूल भुलैया का सीक्वल आया है भूल भुलैया टू जिसे अनिश बजबी ने डायरेक्ट किया है भूल भुलैया टू पहली वाली फिल्म की लेगसी को कितना मजबूत कर पाती है आज के रूबू में उसी पर बात करेंगे फिल्म की कहानी शुरू होती है रूहान और रीत से जिनके रोल कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी ने निभाए हैं ये दोनों मिलते हैं कनेक्ट करते हैं और हालात इन्हें ले आते हैं राजस्थान के गांव भवानीगढ़ में वही की एक हवेली में कैद है मंजुल का जिसका विद्या बालन वाली का से कोई कनेक्शन नहीं है सिवाय बंगाली होने के और आमी जय तुमार गाने के किसी वजह से सब रूहान को आत्माओं से बात करने वाला एक रूह बवा समझ लेते हैं फिर आगे की सभी घटनाएँ घटती हैं जो अपने एक्सपेक्ट की होंगी फिल्म का प्लाट कभी भी भूल भलेटू का मेजर पॉइंट बनता ही नहीं है ये ऐसी कहानी है जहां आप सब कुछ घटने से पहले जानते हैं लेकिन इसका प्रेडिक्टेबल होना भी फिल्म का पॉइंट है फिल्म का सेंस और लॉजिक जैसे शब्दों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और मेकर्स भी इस बात से अवेयर लगते हैं वह ऑडियंस को एक माइलेंस फिल्म की ऑफर करना चाहते हैं सेंसलेस होने में कोई बुराई नहीं है पर उनके साथ दिक्कत यह है कि आप उसमें कोई लिमिट नहीं रखते आपकी कॉमेडी क्लीसे या ओवर यूज की हुई लगती है ऐसे पंचित जिन पर किसी जमाने में शायद हंसी आती होगी जब समझ थोड़ी कम थी लेकिन अब लगता है कि इसकी क्या जरूरत थी जैसे फिल्म के शुरुआत में रूहान को एक बैग मिलता है उसे लगता है कि इसमें बॉम्ब है लेकिन फिर पता चलता है कि रेत का बैग है यहाँ वो कहता है इस बैग में बॉम्ब नहीं ये तो बॉम्ब का बैग है फिल्म के डायलॉग्स लिखने वाले फरहाद फ़रहासामझी और आकाश कौशिक इससे बेटर कर फिल्म के डायलॉग्स लिखने वाले फरहाद फरहासामझी और आशा कौशिक इससे बेटर कर सकते थे कार्तिक का किरदार रूहान छिछौरा किस्म का आदमी है को हाथी बोलना और किसी लड़की से जबरदस्त गले लगाना जैसे हरकतें को जस्टिफाई किया गया है फिल्म में अश्विनी कलेषकर संजय मिश्रा राजपाल यादव को भी कॉमिक एलिमेंट्स में एड करने के लिए रखा गया है इन तीनों एक्टर्स की स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी है कि आपको कई मौक़ों पर हंसाएगी लेकिन फिल्म की राइटिंग ने उन्हें ऐसे पंचेज नहीं दिए जो आपको फिल्म देखने के लंबे समय तक याद रहे जैसे भूल भले से छोटे पंडित के डायलॉग हम अब भी रिकॉल कर पाते हैं इस वाली कहानी में भी राजपाल यादव के कैरेक्टर का नाम छोटा पंडित ही है बस पुराने वाले से इसका कोई रिलेशन नहीं है फिल्म की कॉमेडी ही नहीं सिर्फ आउटडेटेड नहीं फिल्म की कॉमेडी ही सिर्फ आउटडेटेड नहीं है हॉरर का हाल भी ऐसा ही है हॉरर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे जंप स्क्र यूज किए गए हैं बार बार लाउड म्यूजिक आना फिल्म के हर हॉरर सीन में आपको लगभग पता होता है कि क्या होने वाला है अब घुंघरू बजने की आवाज़ आएगी मंजुलिका का दरवाजा खड़खड़ाएगा ऐसे में हॉरर सीन आपको डराते नहीं हैं ना ही उनमें मौजूद एक्टर्स डरे हुए लगते हैं खास तौर पर कार्तिक आर्यन कार्तिक को लगातार एक किस्म के कैरेक्टर में ढाला जा रहा है जिससे वह हर फिल्म में कैरेक्टर कम और कार्तिक ज्यादा लगते हैं यहाँ भी उन्हें देखकर ऐसा ही लगेगा अगर फिल्म का क्लाइमैक्स छोड़ दे तो उनकी एक्टिंग ऐसी नहीं जो आपको फिल्म देखने के बाद याद रहे कियारा के कैरेक्टर को राइटर ठीक से लिखना ही भूल गए जिस वजह से उनकी प्रजेंसी महसूस होती है और कमी खलती नहीं जिस वजह से उनकी प्रजेंस महसूस रहती है और कमी नहीं खिलती एक्टर्स में अगर कोई यहाँ हाईलाइट साबित हुई है तो वो है तब्बू ये उनके करियर का बेस्ट काम नहीं है ना ही यहाँ इंसेंट परफॉर्मेंस की जरूरत थी पर उन्हें देखकर लगता है कि वो अपना काम इन्जॉय कर रही हैं फिल्म अपनी तमाम खामियों से गुजरते हुए पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर जो फिल्म का सबसे हाई पॉइंट है रूहान और मंजुलका का फैस आफ ऐसा सीन जहां आपको अपना फोन चेक करने की जरूरत महसूस नहीं होती है ऊपर से अरिजीत सिंह का गाया अमी जेतुमार जो सीन को एक ऊपर लेवल तक ले जाने का काम करता है फिल्म को देखते वक्त मेरे दिमाग में एक बात बार बार आई की इसका नाम भूल भलेया टू क्यों है वह मंजूलका के जरिए अवनी के मेंटल हेल्थ पर बात की यह मंजुलका को बहुत बना दिया कुछ पुराने किरदारों को सिर्फ उनके नाम के लिए यूज किया इन सवालों के कोई जवाब नहीं है क्योंकि कायदे से फिल्म भूल भलेया का स्वीकल होने की जगह एक अलग हॉरर कॉमेडी की हो सकती है लेकिन तब मेकर साथ भूल भुलैया के नाम पर ऑडियंस को थिएटर तक ना ला पाते भूल भुलैया टू ऐसी फिल्म है जिसमें अगर आपने सेंस की कोशिश की तब आप फिल्म इंजॉय नहीं कर पाएंगे बाकी यहाँ इंटरटेनमेंट के नाम पर वही चीजें परोसी हैं जिन्हें हम दर्जनों बार देख चुके हैं अभिनय के पहलू पर आए तो अभिनेता के तौर पर कार्तिक को यह फिल्म एक पायदान पर ऊपर लेकर जाती है कॉमेडी में उनकी महारत से हम सभी वाकिफ हैं लेकिन अभिनय के दूसरे रंग भी उनमें उमदा हैं फिल्म के क्लाइमैक्स में उन्होंने उसे बाखूबी दर्शाया है तब्बू ने शानदार काम किया है लेकिन उसे और उम्मीद थी कि आरा फिल्म में बहुत खूबसूरत लगी है फिल्म में उनके करने के लिए कुछ खास नहीं था राजपाल यादव एक अरसे बाद लय में दिखे हैं जिसे देखना अच्छा लगता है अश्विनी संजय मिश्रा राजेश कुमार भी अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय करने में कामयाब हुए हैं कुल मिलाकर यह मास एंटरटेनर फिल्म पैसा वसूल है जो प्रिय परिवार के साथ देखी जा सकती है कहानी में हॉरर और कॉमेडी का जो संगम किया है वह दिलचस्प बना है कहानी के अलग अलग किरदार इसे बहुत ही खास बनाते हैं खासकर कार्तिक आर्यन के साथ संजय मिश्रा राजेश कुमार अश्विनी राजपाल यादव और बच्चे के किरदार की जो जुगलबंदी बनी है फिल्म के संवाद भी अच्छे बन पड़े हैं कई अच्छे वन लाइनर पंच भी हैं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी असरदार है जो फिल्म में एक अलग रंग भरता है जिसके लिए मनु आनंद की तारीफ करनी होगी फिल्म का गीत संगीत अच्छा बन पड़ा है फिल्म में कुछ किरदारों और पुराने फिल्म का आमिज तुमार सांग हरे रामा हरे कृष्णा नास्टायलिजिक फीलिंग भी देता है खामियों पर आए तो फिल्म के सेकंड हाफ में कहानी खींच गई है फिल्म की लंबाई को पंद्रह मिनट कम किया जा सकता था तकनीकी पहलुओं में फिल्म का बी एफेक्ट थोड़ा कमजोर रह गया है तब्बू के चेहरे पर फोटो साफ कई बार अखरता है हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि रेद का पूरा परिवार वहाँ आ पहुंचता है हारर प्लस कॉमेडी का फार्मूला पिछले कुछ वर्षों से बॉलीवुड में सफल रहा है और इसी लाइन पर चलते हुए फिल्म निर्देशक ने भूल भले नाम से फिल्म बनाई है दर्शन ने साथ में और भोल फिल्म थी, जिसका कुछ तार जोड़े गए हैं जैसे मंजुल का नामक चुड़ैल और शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक का फिर इस्तेमाल दर्शकों को भूल भुलेटू देखते समय भूल भुलेया की याद दिलाता रहता है रूहान यानी कार्तिक आरन और रीत यानी केडवाणी की अजीब परिस्थितियों में मुलाकात होती है और वे रेत की पुरानी पुश्तैनी हवेली में पहुंच जाते हैं जहां पर मंजुलका की बुरी आत्मा को बंद कर दिया गया है रेत को बचाने के लिए रूहान झूठ बोलता है कि वह भूतों को देख सकता है और बात कर सकता है लेकिन उसे नहीं पता रहता कि एक दिन उसे मंजुलका से सामना करना पड़ेगा मंजुलका का अतीत भी सामने आता है जो दर्शकों को चौंकाता है दर्शकों का मनोरंजन यही उद्देश्य लेकर फिल्म के लेखक और निर्देशक चले हैं और इसमें उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली है बेवजह कोई मैसेज देने या फिल्म को महान बनाने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है हॉरर कॉमेडी रोमांस और चुटिले संवादों के जरिए उन्होंने दर्शकों पर पकड़ बनाई है इस काम में सशक्त कलाकारों का झुंड भी उनकी मदद करता है और कुछ कलाकारों ने स्क्रिप्ट की डिमांड से ज़्यादा डिलीवर किया है फिल्म की शुरुआत भले ही धीमी और असरदायक नहीं लगती अनीस बजवी ने बच्चे का इसी तरह से कैरेक्टर रेडी में भी रखा था बड़े परिवार और रोहन का बाबा बनने को लेकर रचे गए दृश्य बाबा पंडित यानी संजय मिश्रा उसकी पत्नी यानी अश्विनी कलेशकर और छोटा पंडित को लेकर की गई कैमेडी वाले सीन बढ़िया बने हैं और दर्शकों को खूब हंसाते हैं ड्रामे में कई उतार चढ़ाव हैं और फर्स्ट हाफ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करता है इंटरल पॉइंट जोरदार है इंटरोल के बाद फिल्म में ड्रामा फ्रंट सीन पर आ जाता है कहानी मंजुलका पर शिफ्ट हो जाती है और रूहान बैक सीट पर पहुंच जाता है लेकिन जैसे ही रूहान और रेत हवेली पहुंचते हैं फिल्म दर्शकों पर ग्रिप बना लेती है आकाश कौशिक की लिखी कहानी और स्क्रीन प्ले में कई मजेदार सीन हैं जैसे रेत की आत्मा के साथ चाचा का खेलना एक बदमाश बच्चा जो रूहान के पीछे पड़ा रहता है फिल्म में थोड़े डल मोमेंट्स आते हैं लेकिन बहुत जल्द ही गाड़ी फिर पटरी पर आ जाती है सेकेंड हाफ में कॉमेडी पर हारर भारी पड़ी है और कुछ सीन डराते और चौंकाते हैं फिल्म का अंत जल्दबाजी में निपटाया गया है वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में टिके हुए निर्देशक अनिश बजवी ने अपने अनुभव का पूरा उपयोग करते हुए भूल ब्लेटू को ऐसी फिल्म के रूप में पेश किया है जो परिवार के साथ देखी जा सकती है अनीश ने कलाकारों से बेहतरीन अभिनय करवाया है और ड्रामे को मनोरंजक और रोचक तरीके से पेश किया है फिल्म कुछ जगह पर उनके हाथ से फिसलती है लेकिन फौरन वह संभाल लेते हैं गानों को भी उन्होंने छोटा रखा है ताकि दर्शकों का ध्यान ना भटके कार्तिक आर्यन अपने कैरेक्टर में एकदम फिट लगे उनकी कॉमिक टाइमिंग जोरदार रही और दर्शकों के मुताबिक उन्होंने एक्सप्रेशन दिए हैं वह है अपने कैरेक्टर को दर्शकों से जोड़ने में सफल रहे हैं कियारा आडवाणी की एक्टिंग भी अच्छी रही तब्बू को इस फिल्म का हीरो कहा जाए तो गलत नहीं होगा खास तौर पर दूसरे हाफ में फिल्म उनके कंधे पर ही टिकी हुई है संजय मिश्रा और राजपाल यादव की कॉमेडी जोरदार रही अश्विनी कलेशकर मिलिंद गोड़ाजी राजेश शर्मा मास्टर समर्थ चौहान सहित सारे चरित्र अभिनेताओं ने अपना अपना पार्ट बाखूबी निभाया है फिल्म के गाने बहुत अपीलिंग नहीं हैं हाँ सामजी और आकाश कौशिक के संवाद जोरदार हैं और दर्शकों को हंसाते हैं संदीप सिरोडकर का बैकग्राउंड म्यूजिक माहौल बनाता है खासतौर पर हॉरर दृश्यों में कुल मिलाकर भूल भुलैया भलेटू ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन का वादा करती है और उसे निभाती भी है अगर आपने बहुत दिनों से कोई कॉमेडी मूवी ना देखी हो बहुत इच्छा कर रही हो और अगर हॉरर कॉमेडी देखने के शौकीन हैं तो बिना रिव्यू देखे भूल भुलैया भलेटू को देखाइए दिमाग घर पर ही रखकर जाएंगे तो पूरी मूवी में जमकर हंसेंगे ठहाके लगाएंगे लेकिन भूल कर भी अक्षय विद्या की ओरिजिनल भूल भुलैया से तुलना करने मत बैठ जाना नहीं तो आपको उसका यह अपग्रेड वर्जन के बजाय एक सस्ता वर्जन लगेगा कहानी है फिर से मंजुलका की जो अपने पिता और अपनी बहन मंजुलका के साथ राजस्थान के भवानीगढ़ में किसी राजा साहब यानी मिलिंद गोड़ा जी के यहाँ बंगला से आती है पिता को उसके यहाँ नौकरी मिली है लेकिन मंजुलका को पिता का अंजुलका से ज़्यादा लगाव पसंद नहीं आता तो वो बदला लेने के लिए काला जादू सीखने लगती है और जब राजा कुंवर साहब उसकी बजाय उसकी बहन से शादी करने का फैसला करते हैं तो गुस्से में अपने पिता का खून करने के बाद कुंवर साहब को भी मारने की कोशिश करती है लेकिन बहन अंजुलका के हाथों मारी जाती है जाहिर है वह भूत बन जाती है और एक तांत्रिक उसे एक कमरे में अभिमंत्रित त्रिशूल दरवाजे पर रखकर बंद कर देता है पिछली फिल्म भी मंजुलका के कमरे में बंद रहने के ऊपर ही थी इसमें भी एक बंगाली गाना है जो पूरी फैमिली गुनगुनाती थी लेकिन कहानी मोड़ लेती है परिवार की बेटी रेत राठौड़ रीत राठौड़ा अडवाड़ी जो बाहर पढ़ रही है लेकिन शादी से बचने के लिए वह जिस एक्सीडेंट से बच गई थी उसे मरने की खबर आने के बाद सच नहीं बताती ताकि जिससे शादी हो रही थी उससे उसकी बहन की शादी हो सके इसमें उसकी मदद करता है रास्ते में उसका दोस्त बना रोहन रंधावी यानी कार्तिक आर्यन जो सबको रेत की आखिरी ख्वाहिश बताकर उसकी हवेली में फिर से परिवार वालों को ले आता है जिसमें कि मंजुलका यानी तब्बू बंद है और उसकी हमसकल बहन अंजुल का जो कि वो भी तब्बू ही होती है रित की भाभी है धीरे धीरे वही ड्रामा होता है जो आपने भूल भुलैया में देखा था तमाम भूतिया घटनाएं होती हैं तमाम हंसी के फौरारे उड़ते हैं कार्तिक आर्यन के भी तमाम सीस ऐसे हैं जो लोगों को काफ़ी हंसाते हैं भूल भुलैया से मूवी इस मामले में थोड़ी अलग है कि इसमें पहले सीन से ही आपको भूत दिखा दिया जाता है ताकि आप ये ना मान लें कि इस मूवी में भी पहली वाली की तरह केमिकल लोचा होगा लेकिन फिर भी इसे उसका सस्ता वर्जन ही माना जाएगा क्योंकि न तो कार्तिक कारण वो वजन पैदा कर पाते हैं जो अक्षय कुमार ने किया था और न ही अडवाणी विद्या बालन जैसा करिश्मा कर पाती हैं उसकी वजह भी थी कियारा को कार्तिक के मुकाबले इतने कम सीन मिले कि कुछ करने को मिला ही नहीं अगर इन रोल के बाद वाला गाना उन पर नहीं फिल्माया गया होता तो आपको लगता है की मूवी में नहीं है उसका सारा फुटेज गाय डबल रोल कर रही टबू के हिस्से में लेकिन तब्बू का भी किरदार ओवर एक्सपोज था जिससे विद्या जैसा दम नहीं आ पाया भूत को लोग कम ही झेल पाते हैं ज्यादा दिखाने पर उसका असर कम हो जाता है तब्बू के साथ ऐसा ही हुआ हालांकि पूरी मूवी उनके कंधे पर ही है ऐसे में जो ग्लैमर का तड़का किारा लगा सकती थी वो नहीं हो पाया बाकी के कलाकारों में भी भूल भलिया के मुकाबले वो दम नहीं था प्रियदर्शन की मूवी का एक किरदार ऐसा था जो असरदार लगता था जैसे परेश रावल मनोज जोशी साइनी आहूजा अमीशा पटेल राजपाल यादव विक्रम गोखले और असरानी तक जबकि अनिश बजवी की मूवी में सब मशरे लगते हैं एक किरदार सीरियस नहीं है सिवाय तब्बू के मिलिंद गोड़ा जी ने अपनी जिंदगी का साथ सबसे असरहीन किरदार किया है इस मूवी में कन्फ्यूज ही नजर आते हैं बाकी संजय मिश्रा हो राजपाल यादव हो राजेश शर्मा हो सभी मशे नजर आते हैं भूत से बस इतना ही डरते हैं जितना किसी बंदर या कुत्ते से जिस घर में भूतनी छुट्टा घूम रही है उसी में सभी शादी के कार्यक्रम कर रहे हैं उसे छोड़कर भागते नहीं दिखते भूतनी पकड़ते वक्त भी महिलाओं बच्चों को साथ ले जाते हैं असल में ऐसा होता तो सोच कर देखिए कि वहाँ पर एक पल भी रुका नहीं जाता भले इस मूवी में भी एक जबरदस्त ट्विस्ट डालकर क्लाइमैक्स को बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई है और दिमाग ना लगाए तो ज्यादातर को बेहतरीन ही लगेगा लेकिन दिमाग लगाया जाए तो यह राज पहले ही क्यों नहीं खुला जिसे राज पता था उसको तो बस चिल्लाकर सबको इतना ही बताना था आसानी से बता देती भूतनी को कौन रोक सकता था भला सस्ता वर्जन इसलिए भी कहा क्योंकि प्रीतम और तनिष बाजकी की मेहनत के बावजूद एक भी गाना लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ा जैसे पिछली बार हरे कृष्णा हरे राम और तेरी आंखें हैं भूल भलेया चढ़े थे हालांकि इस बार भी हरे कृष्णा हरे राम की तरह ओ काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली जैसे काली माके भजन की लाइन तेरा वचन न जाए खाली की लाइन पर रोमांटिक गाना बना दिया गया है कहानी और डायलॉग्स कई फ्लॉप फिल्में लिख चुके आकाश कौशिक की है जिसका स्क्रीन प्ले कहानी से लेकर डायरेक्शन तक में हाथ आजमार है फरहान शाम ने लिखा है अनिस बचवी ने उन पर दाव लगाया है तो उन्होंने निराश भी नहीं किया है गलती शायद किरदारों को चुनने में हुई है और उनको जरूरत से ज्यादा मशरा बनाने में हुई है जो डर भूल भुलैया हारर सीन में पैदा करती है उसमें भूल भुलैया भलेटू कामयाब वाकई में नहीं हुई है लेकिन कॉमेडी मूवीज के शौकीन हैं या कार्तिक आर्यन के फैन है ते मूवी आपके लिए है आपको काफी हंसाएगी ये मूवी एक सिचुएशन कॉमेडी सीन वाकई में अच्छे बन पड़े हैं बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के आरा अडवाणी और तबू स्टारर फिल्म भूल भुलैया टू रिलीज हो चुकी है इस हॉरर कॉमेडी के रिलीज होने का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था यह फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई अक्षय कुमार विद्या बालन और अमीशा पटेल की फिल्म भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की फिल्म है जो पंद्रह साल बाद उसी कहानी को आगे बढ़ाती है फिल्म की कहानी रूहाना यानी कार्तिक आर्यन और रीत ठाकुर यानी कियारा आडवाणी के इर्द गिर्द घूमती है जहां कार्तिक को घूमने फिरने का शौक है तो वही कियारा राजस्थान स्थित अपना घर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए मनाली में है किसी तरह रीत की मौत की झूठी खबर उसके घर पहुंच जाती है और यहीं से फिल्म की आगे की कहानी की शुरुआत होती है बाद में रूहान अपनी दोस्त रीत की मदद करने उसके साथ उसके गाँव जाता है और वहाँ लोगों को यह यकीन दिलाता है कि वो भूत प्रेत और आत्माओं से बात कर सकता है जिसके बाद लोग उन्हें रूह बाबा कहने लगते हैं इन सब के बीच हवेली के कमरे में कई वर्षों से बंद मंजूलका की आत्मा बाहर आना चाहती है इसी की कहानी आगे बढ़ती है फिल्म की कहानी पंद्रह साल पहले रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म की कहानी से काफ़ी मेल खाती है लेकिन इसके बावजूद यह दर्शकों को अलग एक्सपीरियंस देगी कार्तिक आर्यन अपने एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी से कई जगह अक्षय कुमार की याद दिलाते हैं कार्तिक ने फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है तो वही कार्तिक के बाद तब्बू अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने में सफल होती हैं तो वही फ़िल्म में हॉरर सीन्स आपको निराश नहीं करेंगे इसके अलावा फिल्म में कई कॉमेडी सीन और डायलॉग्स हैं जो दर्शकों को एंटरटेन करते हैं फिल्म के कुछ सीन में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बेकार है कार्तिक आर्यन कियारा अडवाड़ी और तब्बू स्टारर फिल्म भोल भुलैया दो सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी थी अक्षय कुमार की भूल भलैया को दो में प्रिय ने डायरेक्ट किया था जिसने सिनेमाघरों में जमकर कमाई की थी और दर्शकों ने भी इसे खूब पसंद किया था भोल भलेया के पूरे पंद्रह साल बाद आई इस फिल्म में इस बार अक्षय की जगह कार्तिक आर्यन नजर आ रहे हैं वह इस बार निर्देशन की कमान अनिश बजवी ने अपने हाथ में ली है अनिश बजी पिछले कुछ समय से लगातार मुबारका पागलपंथी जैसी फ्लॉप कॉमेडी फिल्में दे चुके हैं क्या प्रियदर्शन की इस हॉरर कॉमेडी में इंसाफ कर पाए हैं चलिए आपको बताते हैं कहानी की बात करें तो फिल्म शुरू होती है मंजुलिका के विभिन्त को तांत्रिक मदद से कमरे में बंद करने से और फिर कहानी सीधे अठारह साल बाद पहुंच जाती है रूहान रंधावा ने कार्तिक आर्यन एक फेमस बिजनेस टाइकून का बेटा है और दुनिया घूमकर अपनी जिंदगी मजे से काट रहा है उसकी मुलाकात होती है रेत यानी कियारा अडवाणी से रेत की मदद करने के लिए उसके कहने पर रूहान पहुंच जाता है राजस्थान के भवानीगढ़ कार्तिक यहां पहुंच सबको बताते हैं कि वह भूतों से बात कर सकते हैं और बस रूहान बन जाता है रूह बाबा लेकिन दिक्कत शुरू होती है जब मंजुलका का, का भूत बाहर आता है इस फिल्म के स्वीकल अनाउंसमेंट के बाद से कार्तिक और अक्षय की तुलना होने लगी थी लेकिन फिल्म देखने के बाद साफ है कि इस नए फ्लेवर की कहानी के लिए कार्तिक आर्यन की एंट्री जस्टिफाई है कार्तिक ने अपना काम बाखूबी किया है हालांकि कियारा के लिए बहुत कुछ करने के लिए नहीं था क्योंकि ये फिल्म तब्बू की है इस भूल भलेया में भी तब्बू अभिनय के मामले में कहीं भटकती या बहती नजर नहीं आई हैं दरअसल पुरानी और नई फिल्म में अगर कोई समानता है तो वो है राजस्थान और राजपाल यादव कुछ मजेदार पंचलाइन राजपाल यादव के हिस्से में आई हैं। दरअसल कॉमेडी का काम राजपाल यादव कार्तिक आर्यन और संजय मिश्रा ने संभाला है और बाखूबी संभाला है फिल्म के ज्यादातर डायलॉग काम और हंसाते हंसाते डराने वाला फंडा इस फिल्म में आपको खूब नजर आएगा ये एक फैमिली इंटरटेनर है और आप पूरी फिल्म के साथ इस फिल्म का मजा ले सकते हैं पंद्रह साल पहले आई फिल्म भूल भले अक्षय कुमार की एक जबरदस्त फिल्म थी जिसका असली मैसेज था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता और कई बार ऐसी चीजें हमारे मन का वहम होती हैं अगर आप पहली भूल भलेया के इस इंस्प्रेशन के साथ भूल भलेया टू देखने जा रहे हैं तो आपको लॉजिक तो इस फिल्म में नहीं मिलेगा इस वाली भूल भलैया में भूत भी है आत्माएं भी हैं और कई बार वो सामने दीवार पर चलते हुए भी नजर आते हैं दरअसल भूल भलेया टाइटल होने के चलते आप इस फिल्म का क्लाइमैक्स देखने बाद खुद को ठगा सा महसूस करते हैं मेरी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि आप इसे किसी और भूत वाली फिल्म की तरह दर्शकों के सामने ला सकते थे इसका कोई नया नाम रख सकते थे भूल भले के नाम पर एक तरह से दर्शकों के साथ धोखा है क्योंकि भूल भलेटू अपनी बेसिक थीम को ही तोड़ती नजर आती है आखिर में अनिश बजमी की भूल भलेटू आपको खूब हंसाएगी और खूब डराएगी भी बस क्लाइमेक्स पर थोड़ा और काम किया जा सकता था यह फिल्म आपको अपने परिवार के साथ एक बार जरूर देखनी चाहिए पिछले कुछ समय से ही हिंदी फिल्मों के लिए टिकट खिड़की पर भीड़ नदारद रही है अजय देवगन टाइगर शराफ और रणबीर सिंह जैसे बड़े बड़े सितारों की फिल्में भी दर्शकों को सिनेमाघर में नहीं खींच पाई ऐसे में बॉलीवुड की उम्मीदें अनिश बजवी की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भलेया टू पर टिकी थी और शायद यह फिल्म इनकी आस को पूरी भी कर दे क्योंकि इसमें एक पारिवारिक एंटरटेनर के सारे मसाले मौजूद थे हाँ टाइटल की वजह से 2007 वाली भूल भलेया से तुलना करने या ज्यादा दिमाग लगाने मत बैठिएगा वरना निराश हो सकते हैं क्योंकि आकाश कौशिक की लिखी इस कहानी में मंजुलका और दो गाने हरे राम और मेरे डोलना के अलावा पिछली फिल्म से कोई कनेक्शन नहीं है फिल्म की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एक हवेली में घर की बहुरानी तब्बू को चुड़ैल मंजुलका के चंगुल से बचाने के लिए तंत्र मंत्र चल रहा है और तांत्रिक उस आत्मा को निकाल हवेली के एक ही कमरे में बंद कर देते हैं जिसके बाद पूरा परिवार हवेली छोड़कर चला जाता है कहानी आज में लौटती है जहाँ रीत यानी कि अडवाड़ी मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद पापा जी की मर्जी से शादी करने के लिए घर लौट रही होती है रास्ते में वह टकरा जाती है रूहान रंधावा कार्तिक आर्यन से जो खुलकर जीने में यकीन रखता है हालात ऐसे बनते हैं कि रेत को पता चलता है कि असल में उसकी बहन और मंगेतर एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए उन्हें एक करने के लिए वह रूहान की मदद से अपने मरने का नाटक करती है और छिपने के लिए पुरानी हवेली पहुंचती है जाहिर है तब सालों बाद हवेली खुली है तो मंजूलका का भूत भी बाहर आएगा इसलिए आगे भूतिया हवेली में खूब धमाचौकड़ी होती है रीत घर वालों के लिए आत्मा बन जाती है जो रूहान आत्मा से बातें करने वाला रूह बाबा बनकर लोगों को बहकाता है अब इस कहानी में लाजिक ढूंढने लगेंगे तो आपको बहुत कुछ अटपटा लगेगा लेकिन फरहान शाम जी की स्क्रीन प्ले और आकाश के डायलॉग हंसाते हैं कॉमेडी के पंच अच्छे बन पड़े हैं जो कार्तिक आर्यन की उम्दा कॉमिक टाइमिंग के चलते हंसाने पर मजबूर करते हैं कार्तिक को फिल्म में अच्छे कॉमिक पंचेस के अलावा अपनी एक्टिंग क्षमता दिखाने का भी पूरा मौका मिला है और उन्होंने ये मौका बिल्कुल गंवाया भी नहीं है उनके फैंस की तादाद इस फिल्म के बाद निश्चित तौर पर बढ़ेगी कियारा आडवाणी अपने किरदार के साथ न्याय करती हैं हालांकि छिपे रहने के चलते कई बार वे काफ़ी देर के लिए स्क्रीन से गायब ही हो जाती हैं वही तब्बू हमेशा की तरह खुद को एफर्टलेस एक्टर साबित करती हैं वो फिल्म की सबसे मजबूत कड़ी हैं इसके अलावा संजय मिश्रा राजपाल यादव और अश्विनी कलेषकर की तिकड़ी भी हंसी की डोज बढ़ाने का काम करती है फिल्म की कमजोर कड़ी इसका क्लाइमैक्स है अक्षय कुमार विद्या बालन वाली भूल भुलैया में जहाँ सस्पेंस आखिर तक बरकरार रहता है इस फिल्म में वह बहुत पहले खुल जाता है जिससे रोमांच कम हो जाता है आखिर के ट्विस्ट का अंदाज़ा भी पहले ही हो जाता है फिल्म जल्दबाजी में ख़त्म की गई लगती है म्यूजिक की बात करें तो हरे राम हरे राम वाले गाने का पूरी फिल्म में अच्छा इस्तेमाल हुआ है इसके अलावा मेरे ढोलना और देताली भी ठीक ठाक हैं कुल मिलाकर क्लाइमैक्स कसा गया होता तो मज़ा ही आ जाता पहले अक्षय कुमार स्टारर फिल्म प्रियदर्शन ने बनाई थी वही कार्तिक की भूल भुलेटू को अनिश बजवी ने बनाया है इस फिल्म में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कार्तिक आर्यन है कार्तिक को लेकर काफी कुछ नोटिस कर रहे हैं जैसे उनका अच्छे की तरह चलना बोलना कपड़ों का स्टाइल आदि शुरुआत में लग रहा था कि क्या अक्षय की भूल भुले के आगे कार्तिक की भूल भले अट्टू का दम दिखा पाएगी क्या लोग इसे ऐसे एक्सेप्ट कर पाएंगे बता दें कि एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्म में जान लगाते दिख रहे हैं जी हाँ हार कॉमेडी प्लस रोमांस से भरी फिल्म बोल बलिया टू दर्शकों को कई मौके पर हंसाती भी है और डराने की भी कोशिश करती है कार्तिक फिल्म में चमक रहे हैं उनकी अदाकारी में दिन ब दिन जो निखार आ रहा है उससे फैंस काफ़ी इंप्रेस हैं फिल्म में कार्तिक आर्यन आजकल के नौजवानों जैसे अल्हड़ और बेफिक्रे किस्म के लड़के का किरदार निभा रहे हैं जिसे अचानक एक लड़की इतनी पसंद आ जाती है कि उसकी समस्या को हल करने के लिए वह उसके घर तक पहुंच जाते हैं और यह घर कोई आम घर नहीं है ये एक रजवाड़ा खानदान की हवेली है जो कई सालों से बंद पड़ी है जिसके पीछे की वजह है इस हवेली में मंजुल का रहती है कौन है मंजूल का ये जानने के लिए कार्तिक की फिल्म दर्शकों को अंत तक चीट से चिपके रहने के लिए मजबूर करती है कार्तिक आर्यन से पहले सेम नाम की फिल्म भोल भलेया में सुपरस्टार अक्षय कुमार थे ऐसे में जाहिर सी बात है कि अक्षय कुमार और कार्तिक की बेच तुलना तो होगी ही कार्तिक ने फिल्म के हर सीन में अपना बेस्ट देने के लिए जान फूकी है ऐसे में फिल्म के कई सीन्स में कार्तिक अक्षय वाली एनर्जी लाने में सक्सेसफुल भी होते हैं कार्तिक के हंसने बोलने से लेकर उठने बैठने वाले हाव भाव अक्षय की याद दिलाते हैं लेकिन कार्तिक ने अपने किरदार को इतने अच्छे से निभाया है कि अक्षय की छवि को जोड़ते हुए और एक्सपेरिमेंट करते हुए कार्तिक ने स्क्रीन पर आपसा स्टाइल डालने की कोशिश की है तो ऐसे में स्क्रीन पर कार्तिक की परफॉर्मेंस शानदार है कियारा अडवाणी फिल्म के पहले सीन से बेहद खूबसूरत लग रही हैं फिल्म के हर सीन्स के साथ एक्ट्रेस के कुर्ते काफ़ी चमक रहे हैं जो कि फीमेल फैंस को नया फैशन ट्रेंड दे सकते हैं हालांकि सेकंड हाफ में क्यारा के पास करने के लिए कुछ खास नहीं है इस फिल्म में राजपाल यादव एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी एंट्री पर दर्शक तालियां पीटते दिखाई दिए राजपाल यादव फिल्म के कई सीन्स में बेहद फनी लगे तो वही संजय मिश्रा की अदाकारी भी जबरदस्त है फिल्म की पटकथा अच्छे से बुनी गई है बीच बीच में कहानी में हल्की सी ढील देखने को मिलती है लेकिन तुरंत बाद में रफ्तार भी पकड़ लेती है सेकंड हाफ के बाद फिल्म थोड़ी स्लो नज़र आती है लेकिन बोरिंग नहीं होती ऐसे में इस फिल्म को देखना दर्शकों के लिए एक शानदार एक्सपीरियंस हो सकता है भूल भुलैया टू एक बुरी आत्मा की कहानी है 18 साल पहले राजस्थान के भवानीगढ़ में एक परिवार को मंजुलका की आत्मा परेशान कर रही है एक तांत्रिक बाबा यानी गोविंद नामदेव मंजुलका को हवेली में एक कमरे में फंसा लेता है इसके बाद वह कमरे को सील कर देता है उसी परिवार से रेत यानी गहरा अडवाड़ी पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर रहती है जब वह रूहान यानी कार्तिक का आरन से मिलती है तो वह जबरन शादी करने के लिए भवानीगढ़ लौट रही है बस यात्रा करते समय दोनों के बीच बॉन्डिंग हो जाती है रूहान के आग्रह पर वह बस से निकल जाती है और एक संगीत समारोह में भाग लेती है इसी दौरान बस खाई में गिर जाती है जिससे उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो जाती है इसलिए रीत को मृत मान लिया जाता है उसी समय रीत को पता चलता है कि सागर उसका पति रीत की बहन तिरछा से प्यार करता है इसलिए रीत अपने परिवार को यह नहीं बताने का फैसला करती है कि वह जीवित है उम्मीद है कि इससे सागर और तिरसा की बहन की शादी में मदद मिलेगी रीत रूहान से मदद मांगती है दोनों भवानीगढ़ जाते हैं और हवेली में शरण लेते हैं वह का फंसी हुई है क्योंकि हवेली को छोड़ दिया गया है हालांकि छोटा पंडित यानी राजपाल यादव देखता है कि हवेली में लाइटें बंद हैं वह रीत के परिवार वालों को इसकी जानकारी देता है वे सभी हवेली में उतरते हैं रीत छिप जाती है और रूहान उसका सामना करता है रूहान दिखावा करता है कि वह मृतकों के साथ संवाद कर सकता है

पोर्सन को शामिल करता है आकाश कौशिक की पटकथा कहानी के साथ पूरा न्याय करती है लेखक कथा को बहुत ही प्रभावशाली क्षणों के साथ जोड़ते हैं जो रुचि को बनाए रखते हैं पात्र भी काफी मज़ेदार हैं और इससे मदद मिलती है फरहान शामजी और आकाश कौशिक के डायलॉग स्पर्श लेखापत्र और ताशा भ्रम के अतिरिक्त संवाद हास्य को बढ़ाते हैं अनिश बजवी का निर्देशन शानदार है उनके हाथ में एक चुनौतीपूर्ण काम था क्योंकि फर्स्ट आपकी कल्ट फैन फॉलोइंग है हालांकि वह अपने निर्देशन से फिल्म को बेहतर बनाने में कामयाब होते हैं कहानी थोड़ी दिमाग रहित है लेकिन वह इसे इतने सही तरीके से हैंडल करते हैं कि फिल्म में जान डाल देते हैं ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने अपनी पिछली यादगार फिल्मों जैसे नो एंट्री जो कि 2005 में आई थी वेलकम जी की 2007 में आई थी आद का निर्देशन किया था वह अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं और इस संबंध में वह जरा भी निराश नहीं करते हैं हॉरर के मामले में बहुत अच्छा काम करते हैं दूसरी तरफ सेकंड हाफ की शुरुआत में फिल्म फिसलती है शुक्र क्लाइमैक्स में फिल्म फिर रफ्तार पकड़ती है बोल ब्लेयर टू की शुरुआत धमाकेदार तरीके से होती है रूहान और रीत की एंट्री मनोरंजक है रीत जिस तरह से अपनी मौत को नकली बनाने का फैसला करते है वह थोड़ा समस्या परे लगता है लेकिन अच्छी तरह से काम करता है रीत के परिवार के साथ रूहान की पहली मुलाकात काफी यादगार है रूहान कैसे रूह बाबा में बदल जाता है या मजेदार है मंजुलका की फ्लैशबैक कहानी फर्स्ट हाफ में दिखाई गई है जो हैरान करने वाली है आमतौर पर ऐसे ट्रैक को सेकेंड हाफ में प्रमुखता दी जाती है इंट्रोल पॉइंट और फ्लैशबैक बैक पर सस्पेंस कमालका है एंट्रोल के बाद फिल्म की रफ्तार धीमी हो जाती है फिनाले में एक और अप्रत्याशित मोड़ है परफॉर्मेंस की बात करें तो कार्तिक आर्यन बेहतरीन फॉर्म में हैं हाथ को चित्रित करने का उनका अपना तरीका है और यह अच्छी तरह से काम करता है कियारा आडवाणी स्टिनिंग दिखती हैं और बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करती हैं वह अपने किरदार के साथ पूरा न्याय करती हैं तब्बू एक सरप्राइज पैकेज हैं और अपने करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक करती हैं राजेश शर्मा एक छाप छोड़ते हैं और इसी तरह समर चौहान यानी पोटलू बच्चा राजपाल यादव और संजय मिश्रा मजाकिया लगते हैं हसनी कलेषकर ठीक हैं अमर उपाध्याय और मिलिंद गुनाजी कुछ खास नहीं है गोविंद नामदेव को सीमित दायरा मिलता है सागर और रेत का किरदार निभाने वाले कलाकार अच्छे हैं टाइटल ट्रैक आकर्षक है अमीज तुमार में भूतिया एहसास है देताली और हम नशे में ठीक हैं संदीप सिरोडकर का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है मन आनंद की सिनेमाटोग्राफी शानदार है रजत पद्दार का प्रोडक्शन डिजाइन बहुत समृद्ध है और हॉरर को बढ़ाता है कार्तिक आर्यन और केरा आडवाणी के लिए अकी नरूला का बेहद ग्लैमरस है तब्बू के लिए रिम्पल्स और हरप्रीत नरूला की वेशभूषा भी काबिले तारीफ है बाकी के लिए अंकिता पटेल का कॉस्ट्यूम ठीक है मनोहर वर्मा का एक्शन खून खराबे से रहित है मंदार कुलकर्णी का साउंड डिजाइन प्रभाव को बढ़ाता है आफ्टर स्टूडियोज का बी एफ टॉप क्लास का है बंटी नागी का संपादन नियुक्त है कुल मिलाकर भूल भलेटू पूरी दृष्टि एंटरटेनर फिल्म है और हॉरर और कॉमेडी के शानदार कॉम्बो के कारण अच्छा काम करती है साल 2007 में आई अक्षय कुमार और विद्या बालन के भूल भुलैया को आखिर कौन भूल सकता है अवनी यानी विद्या बालन और मंजुलका की मिली जुली कहानी ने हम सभी को खूब डराया था तो वही आदित्य यानी अक्षय कुमार और छोटे पंडित यानी राजपाल यादव की कॉमेडी ने हमें खूब हंसाया था मंजुलका ने ही आगे चलकर स्त्री और परी और रोही जैसी फिल्मों के रास्ते खोले थे इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और आज भी पसंद करते हैं तभी तो जब भूल भुलैया टू का ऐलान हुआ तो कई फैंस एक्साइटेड और निराश हुए वही जब भूल भले टू का ऐलान हुआ तो कई फैंस एक्साइटेड और कई निराश हुए थे कार्तिक आर्यन तब्बू और कियारा अडवाड़ी स्टार फिल्म भूल भले टू का ट्रेलर काफ़ी अवाई अवायं था ट्रेलर देखकर किसी को भी खास मजा नहीं आया था ना ही किसी ने उम्मीद की थी कि यह फिल्म कैसी होगी अब जब हमने फिल्म देख ली है तो कहा जा सकता है कि यह अच्छी है फिल्म भूल भले टू की कहानी पिछली फिल्म से बिल्कुल अलग है लेकिन इसमें पिछली फिल्म जैसे एलिमेंट्स डालने की कोशिश की गई है फिल्म की कहानी एक हवेली से शुरू होती है जहाँ मंजुलका की आत्मा से परेशान होकर तांत्रिकों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया है अट्ठारह सालों तक हवेली के कमरे में कैद रहने के बाद मंजुलका आजाद होती है तो शुरू होता है भाग और डर का खेल राजपाल यादव एक बार फिर छोटे पंडित के आइकैनिक रोल में कमाल कर रहे हैं तो वही कार्तिक आर्यन रूह बाबा बनकर लोगों के मरे हुए घरवालों से उनका मिलना करवाने लगे हैं वही रूह बाबा एक ढोंगी के अलावा और कुछ भी नहीं है कार्तिक और ब्रुहान को यह सब अपने रीत यानी कियारा अडवाणी के रिश्ते से छुपाने के लिए करना पड़ रहा है दोनों अपनी पोल खोलने से बचने के चक्कर में मंजुलिका के हाथ लग जाते हैं बुलबुलिया टू में कॉमेडी का सही डोज आपको मिलता है कार्तिक कैरन राजपाल यादव राजेश शर्मा और संजय मिश्रा जैसे स्टार्स ने अपनी कामिक टाइमिंग से कमाल कर दिया है तब वो अपने किरदार में खूब जमी हैं और उनका काम भी बढ़िया है कियारा अडवाणी ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है कार्तिक और कियारा की केमिस्ट्री देखने लायक है कार्तिक को अपने आन स्क्रीन रोमांस और कॉमेडी के लिए ही जाना जाता है और इस फिल्म में उनके दोनों रूप देखने को मिले हैं इसमें उन्होंने कमाल भी करके दिखाया है लेकिन कार्तिक के काम की तुलना अक्षय कुमार के रोल से करना गलत होगा फिल्म का निर्देशन अनिश बजवी ने काफी अच्छे से किया है उन्होंने कॉमेडी हॉरर और बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश की है और इसमें सफल भी रहे हैं साथ ही फिल्म में इस्तेमाल हुए सीजीआई और बी भी अच्छा है फिर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस फिल्म को इम्परफेक्ट बनाती हैं फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस फिल्म को इम्परफेक्ट बनाती हैं यह फिल्म आपको अपने साथ बांधे रखने में नाकाम होती है इसके कई सीन्स को देख आपके मन में आता है कि यह क्या हो रहा है इसमें कई ड्रामेटिक और लाउड डायलॉग हैं और बैकग्राउंड स्कोर कानों में चुभता है फिल्म का एक भी गाना अच्छा नहीं है कुल मिलाकर अगर आप कार्तिक के फैन हैं तो भूल बलेटू को एक बार जरूर देखें कार्तिक आर्यन हिंदी सिनेमा की मौजूदा पीढ़ी के उन गिने चुने सितारों में है जिनकी पृष्ठभूमि किसी फिल्मी परिवार से नहीं है प्यार का पंचनामा प्यार का पंचनामा टू और सोनू के टी की शूटी जैसी फिल्मों से कार्तिक ने अपनी एक खास पहचान बनाई है इसी पहचान के सहारे उन्होंने लुका छिपी और पति पत्नी और ओ में कामयाबी भी पाई है हिट के उनकी हैट्रिक को पहले इम्तियाज अली ने फिल्म लव आजकल में तोड़ा और फिर मधुवानी की फिल्म का धमाका हुआ कार्तिक हिंदी सिनेमा में एक आम हिंदुस्तानी के संघर्ष की कहानी है कुछ कुछ वैसी है जैसी कहानी उनकी नई फिल्म भूल बुलेटू के हीरो रूहान रंधावा उर्फ रूह बाबा की है यहाँ लोग होते हैं कुछ और और देखते हैं कुछ और ये हिंदी सिनेमा की परंपराओं में चले आ रहे वो निशान हैं जो अब इनके दामन पर धब्बों के सरीखे दिखने लगे हैं कार्तिक के सामने उनकी पिछली दोनों फिल्मों में चुनौती रही है खुद को एक ऐसा कलाकार साबित करने की जो अकेले अपने बूते एक फिल्म को खींच सके

कार्तिक की यह फिल्म रिलीज हुई है जैसा कि नाम से ही इंगित है यह फिल्म अक्षय कुमार विद्या बालन और साइनी आहूजा की कोई दस साल पहले रिलीज हुई इसी नाम की फिल्म की ब्रांडिंग से सासे पाती हैं दोनों फिल्मों का आपस में कोई लेना देना नहीं है फिर भी फिल्म अपनी अग्रजा की याद दिलाती है कहानी रूह और रीत की है दोनों के प्यार में आए पुरानी हवेली के ट्विस्ट भी हैं दोनों के अपने अपने भरोसे हैं और है एक लंबा चौड़ा परिवार जिसका हर किरदार खुद को बाजीगर समझता है फिल्म भूल भूलें टू की कहानी में खास जान नहीं है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको किसी नए यूनिवर्स में लेकर जा सके हाँ यह फिल्म बार बार आपको हिलाती जरूर है फिल्म का धरातल बसने में थोड़ा वक्त लगता है और अनीश बजमी अपने बतौर निर्देशक और लेखक बनी सास को बचाए रखने की पूरी कोशिश भी करते हैं निर्देशक के तौर पर अनीश के लिए फिल्म भविष्य की चेतावनी है उन्हें अपने ही बनाए इस कथाकित कॉमेडी के जाल से बाहर निकलना होगा कुछ नई कहानियाँ सोचनी होंगी और अपने निर्देशन में बदलाव करना होगा फिल्म भूल बले टू में वह बस किसी तरह पास हो सके हैं और यह बदलाव हर उस हिंदी फिल्म निर्देशक को अपनी कहानी कलाकारों और नज़रिए में लाना होगा जिसे बदलते दौर में वर्कस ऑफिस पार्टी के रहना है अभिनय के मामले में फिल्म भूल बुलेट टू पूरी तरह से तब्बू की फिल्म है फिल्म इंटरल के बाद जरूरत से ज़्यादा लंबी है लेकिन इस दौरान तब्बू की अदाकारी दर्शकों को बांधे रखती है उनको जैसे ही संवाद मिले उनको उन्होंने अपने अभिनय में साधा है हाँ तब्बू को लेकर फिल्में बनाने वालों को उन्हें उनके नैसर्गिक रूप में प्रदर्शित करने की हिम्मत बांधनी होगी चेहरे पर बहुत ज्यादा फोटोशाप नए दौर के दर्शकों को समझ में आता है कार्तिक आर्यन अपनी पिछली दो कमजोर फिल्मों के बाद फिर से रंगत में है उन्हें लगता भी रहा है कि फिल्म भूल बलेटू में जो कुछ है बस वह वही है वह इस गुमान से कार्तिक को बाहर आना ही होगा नहीं तो उनके लिए कठिनाई और बढ़ेगी कार्तिक के अभिनय में ताजगी है वह फिल्म का चेहरा भी हैं काफी हद तक फिल्म भूल भलेटू में कामयाब रहे कार्तिक के करियर की ये कई पायदान हो सकती हैं गेरा अडवाणी अपने दौर की बाकी सारी अभिनेत्रियों जैसा ही अभिनय करती हैं बाल कलाकार सिद्धांत प्रभावित करते हैं राजेश शर्मा राजपाल यादव और संजय मिश्रा ने फिल्म में शोर खूब मचाया है और नए चरित्र अभिनेताओं के हिंदी सिनेमा को अब सख्त जरूरत दिखने लगी है तकनीकी रूप से फिल्म भूल भले टू अपनी सिनेमाटोग्राफी से मदद पाती है मनु आनंद ने फिल्म का तेवर और क्लेवर अपनी पिछली भूल भलेया जैसा रखने में कामयाबी पाई है अजय वरेकर और दीपक चौधरी ने फिल्म के सेट और वास्तविक लोकेशन के सजावट में प्रभावित किया है फिल्म में बंटी नागी का संपादन थोड़ा सुस्त है और अगर यह फिल्म छोटी करके सिर्फ दो घंटे की हो सकती तो कमाल की फिल्म होती यह इसलिए भी क्योंकि प्रीतम और तनिष बास्की मिलकर भी फिल्म का संगीत शानदार नहीं बना सके हैं अमिताभ भट्टाचार्य से एक और यादगार गीत की उम्मीद अब भी बाकी ही है फिल्म भूल बलिया टू हिंदी सिनेमा की लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के बीच कुछ भी नया कर दिखाने का वादा नहीं करती है यही इस फिल्म की कमजोरी भी है और यूएसपी भी सिर्फ मनोरंजन के लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है बड़े सिनेमाघर में लोगों के बीच बैठकर कुछ डरावनी अनुभूति लेनी हो तो यह फिल्म जरूर देखें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रिमेक्स और स्वकल्स का ट्रेंड नया नहीं है अब जब भी ऐसी फिल्में आती हैं तो एक काम जरूर होता है ओरिजिनल फिल्म से इसकी तुलना 2007 में आई प्रियदर्शन की हिट फिल्म भूल भुलैया का स्वीकल आया है भूल भुलैया टू जिसे अनिश बजबी ने डायरेक्ट किया है भूल भुलैया टू पहली वाली फिल्म की लेगसी को कितना मजबूत कर पाती है आज के रूबू में उसी पर बात करेंगे फिल्म की कहानी शुरू होती है रूहान और रीत से जिनके रोल कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी ने निभाए हैं ये दोनों मिलते हैं कनेक्ट करते हैं और हालात इन्हें ले आते हैं राजस्थान के गांव भवानीगढ़ में वहीं की एक हवेली में कैद है का जिसका विद्या बालन वाली का से कोई कनेक्शन नहीं है सिवाय बंगाली होने के और आमिर जय तुमार गाने के किसी वजह से सब रूहान को आत्माओं से बात करने वाला एक रूह बवा समझ लेते हैं फिर आगे की सभी घटनाएँ घटती हैं जो अपने एक्सपेक्ट की होंगी फिल्म का प्लाट कभी भी भूल बल्हटू का मेजर पॉइंट बनता ही नहीं है ये ऐसी कहानी है जहां आप सब कुछ घटने से पहले जानते हैं लेकिन इसका प्रेडिक्टेबल होना भी फिल्म का पॉइंट है फिल्म का सेंस और लॉजिक जैसे शब्दों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और मेकर्स भी इस बात से अवेयर लगते हैं वह ऑडियंस को एक माइलेंस फिल्म की ऑफर करना चाहते हैं सेंसलेस होने में कोई बुराई नहीं है पर उनके साथ दिक्कत यह है कि आप उसमें कोई लिमिट नहीं रखते आपकी कॉमेडी क्लीसे या ओवर यूज की हुई लगती है ऐसे पंचित जिन पर किसी जमाने में शायद हंसी आती होगी जब समझ थोड़ी कम थी लेकिन अब लगता है कि इसकी क्या जरूरत थी जैसे फिल्म के शुरुआत में रूहान को एक बैग मिलता है उसे लगता है कि इसमें बॉम्ब है लेकिन फिर पता चलता है कि रेत का बैग है यहाँ वो कहता है इस बैग में बॉम्ब नहीं ये तो बॉम्ब का बैग है फिल्म के डायलॉग्स लिखने वाले फरहाद फरहासमझी और आकाश कौशिक इससे बेटर कर फिल्म के डायलॉग्स लिखने वाले फरहाद फरहासामझी और आशा कौशिक इससे बेटर कर सकते थे कार्तिक का किरदार रूहान छिछौरा किस्म का आदमी है को हाथी बोलना और किसी लड़की से ज़बरदस्त गले लगाना जैसे हरकतें को जस्टिफाई किया गया है फिल्म में अश्विनी कलेषकर संजय मिश्रा राजपाल यादव को भी कॉमिक एलिमेंट्स में एड करने के लिए रखा गया है इन तीनों एक्टर्स की स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी है कि आपको कई मौक़ों पर हंसाएगी लेकिन फिल्म की राइटिंग ने उन्हें ऐसे पंचेज नहीं दिए जो आपको फिल्म देखने के लंबे समय तक याद रहे जैसे भूल भले से छोटे पंडित के डायलॉग हम अब भी रिकॉल कर पाते हैं इस वाली कहानी में भी राजपाल यादव के कैरेक्टर का नाम छोटा पंडित ही है बस पुराने वाले से इसका कोई रिलेशन नहीं है फिल्म की कॉमेडी ही नहीं सिर्फ आउटडेटेड नहीं फिल्म की कॉमेडी ही सिर्फ आउटडेटेड नहीं है हॉरर का हाल भी ऐसा ही है हॉरर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे जंप स्क्र यूज किए गए हैं बार बार लाउड म्यूजिक आना फिल्म के हर हॉरर सीन में आपको लगभग पता होता है कि क्या होने वाला है अब घुंघरू बजने की आवाज़ आएगी मंजुलिका का दरवाजा खड़खड़ाएगा ऐसे में हॉरर सीन आपको डराते नहीं हैं ना ही उनमें मौजूद एक्टर्स डरे हुए लगते हैं खास तौर पर कार्तिक आर्यन कार्तिक को लगातार एक किस्म के कैरेक्टर में ढाला जा रहा है जिससे वह हर फिल्म में कैरेक्टर कम और कार्तिक ज्यादा लगते हैं यहाँ भी उन्हें देखकर ऐसा ही लगेगा अगर फिल्म का क्लाइमैक्स छोड़ दे तो उनकी एक्टिंग ऐसी नहीं जो आपको फिल्म देखने के बाद याद रहे कियारा के कैरेक्टर को राइटर ठीक से लिखना ही भूल गए जिस वजह से उनकी प्रेजेंस महसूस होती है और कमी खलती नहीं जिस वजह से उनकी प्रेजेंस महसूस रहती है और कमी नहीं खिलती एक्टर्स में अगर कोई यहाँ हाईलाइट साबित हुई है तो वो है तब्बू ये उनके करियर का बेस्ट काम नहीं है ना ही यहाँ इंस्टेंट परफॉर्मेंस की जरूरत थी बस उन्हें देख कर लगता है कि वो अपना काम इंजॉय कर रही हैं। फिल्म अपनी तमाम खामियों से गुजरते हुए पहुँचती है अपने क्लाइमैक्स पर जो फिल्म का सबसे हाई पॉइंट है रूहान और मंजुलका का फैस आप ऐसा सीन जहाँ आपको अपना फोन चेक करने की जरूरत महसूस नहीं होती है ऊपर से अरिजीत सिंह का गाया अमी जयतुमार जो सीन को एक ऊपर लेवल तक ले जाने का काम करता है फिल्म को देखते वक्त मेरे दिमाग में एक बात बार बार आई कि इसका नाम भूल भलेया टू क्यों है वह मंजुलका के जरिए अवनी के मेंटल हेल्थ पर बात की यह मंजुलका को बहुत बना दिया कुछ पुराने किरदारों को सिर्फ उनके नाम के लिए यूज किया इन सवालों के कोई जवाब नहीं है क्योंकि कायदे से फिल्म भूल भलेया का स्वीकल होने की जगह एक अलग हॉरर कॉमेडी की हो सकती है लेकिन तब मेकर साथ भूल भुलैया के नाम पर ऑडियंस को थिएटर तक ना ला पाते भूल भुलैया टू ऐसी फिल्म है जिसमें अगर आपने की कोशिश की तब आप फिल्म इंजॉय नहीं कर पाएंगे बाकी यहाँ इंटरटेनमेंट के नाम पर वही चीजें परोसी हैं जिन्हें हम दर्जनों बार देख चुके हैं अभिनय के पहलू पर आए तो अभिनेता के तौर पर कार्तिक को यह फिल्म एक पायदान पर ऊपर लेकर जाती है कॉमेडी में उनकी महारत से हम सभी वाकिफ हैं लेकिन अभिनय के दूसरे रंग भी उनमें उमदा हैं फिल्म के क्लाइमैक्स में उन्होंने उसे बाखूबी दर्शाया है तब्बू ने शानदार काम किया है लेकिन उसे और उम्मीद थी कि यारा फिल्म में बहुत खूबसूरत लगी हैं फिल्म में उनके करने के लिए कुछ खास नहीं था राजपाल यादव एक अरसे बाद लय में दिखे हैं जिसे देखना अच्छा लगता है अश्विनी संजय मिश्रा राजेश कुमार भी अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय करने में कामयाब हुए हैं कुल मिलाकर यह मास एंटरटेनर फिल्म पैसा वसूल है जो प्रिय परिवार के साथ देखी जा सकती है कहानी में हॉरर और कॉमेडी का जो संगम किया है वह दिलचस्प बना है कहानी के अलग अलग किरदार इसे बहुत ही खास बनाते हैं खासकर कार्तिक आर्यन के साथ संजय मिश्रा राजेश कुमार अश्विनी राजपाल यादव और बच्चे के किरदार की जो जुगलबंदी बनी है फिल्म के संवाद भी अच्छे बन पड़े हैं कई अच्छे वन लाइनर पंच भी हैं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी असरदार है जो फिल्म में एक अलग रंग भरता है जिसके लिए मनु आनंद की तारीफ करनी होगी फिल्म का गीत संगीत अच्छा बन पड़ा है फिल्म में कुछ किरदारों और पुरानी फिल्म का आमिज तुमार सांग हरे रामा हरे कृष्णा नास्टाइलिजिक फीलिंग भी देता है खामियों पर आए तो फिल्म के सेकंड हाफ में कहानी खींच गई है फिल्म की लंबाई को पंद्रह मिनट कम किया जा सकता था तकनीकी पहलुओं में फिल्म का बी इफेक्ट थोड़ा कमजोर रह गया है तब्बू के चेहरे पर फोटो साफ कई बार अखरता है हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि रेद का पूरा परिवार वहाँ आ पहुंचता है हारर प्लस कॉमेडी का फार्मूला पिछले कुछ वर्षों से बॉलीवुड में सफल रहा है और इसी लाइन पर चलते हुए फिल्म निर्देशक ने भूल भुलेटू नाम से फिल्म बनाई है दर्शन ने साथ में और विद्याबालन फिल्म थी, जिसका कुछ तार जोड़े गए हैं जैसे मंजुल का नामक चुड़ैल और शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक का फिर इस्तेमाल दर्शकों को भूल भुलेटू देखते समय भूल भुलेया की याद दिलाता रहता है रूहान यानी कार्तिक आरन और रीत यानी आडवाणी की अजीब परिस्थितियों में मुलाकात होती है और वे रीत की पुरानी पुश्तैनी हवेली में पहुंच जाते हैं जहां पर मंजुलका की बुरी आत्मा को बंद कर दिया गया है रीत को बचाने के लिए रूहान झूठ बोलता है कि वह भूतों को देख सकता है और बात कर सकता है लेकिन उसे नहीं पता रहता कि एक दिन उसे मंजुलका से सामना करना पड़ेगा मंजुलका का अतीत भी सामने आता है जो दर्शकों को चौंकाता है दर्शकों का मनोरंजन यही उद्देश्य लेकर फिल्म के लेखक और निर्देशक चले हैं और इसमें उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली है बेवजह कोई मैसेज देने या फिल्म को महान बनाने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है हॉरर कॉमेडी रोमांस और चुटिले संवादों के जरिए उन्होंने दर्शकों पर पकड़ बनाई है इस काम में सशक्त कलाकारों का झुंड भी उनकी मदद करता है और कुछ कलाकारों ने स्क्रिप्ट की डिमांड से ज़्यादा डिलीवर किया है फिल्म की शुरुआत भले ही धीमी और असरदायक नहीं लगती अनीस बजवी ने बच्चे का इसी तरह से कैरेक्टर रेडी में भी रखा था बड़े परिवार और रोहन का बाबा बनने को लेकर रचे गए दृश्य बाबा पंडित यानी संजय मिश्रा उसकी पत्नी यानी अश्विनी कलेशकर और छोटा पंडित को लेकर की गई कैमेडी वाले सीन बढ़िया बने हैं और दर्शकों को खूब हंसाते हैं ड्रामे में कई उतार चढ़ाव हैं और फर्स्ट हाफ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करता है इंटरल पॉइंट जोरदार है इंटरल के बाद फिल्म में ड्रामा फ्रंट सीन पर आ जाता है कहानी मंजूलका पर शिफ्ट हो जाती है और रूहान बैक सीट पर पहुंच जाता है लेकिन जैसे ही रूहान और रेत हवेली पहुंचते हैं फिल्म दर्शकों पर ग्रिप बना लेती है आकाश कौशिक की लिखी कहानी और स्क्रीन प्ले में कई मजेदार सीन हैं जैसे रेत की आत्मा के साथ चाचा का खेलना एक बदमाश बच्चा जो रूहान के पीछे पड़ा रहता है फिल्म में थोड़े डल मोमेंट्स आते हैं लेकिन बहुत जल्द ही गाड़ी फिर पटरी पर आ जाती है सेकेंड हाफ में कॉमेडी पर हारर भारी पड़ी है और कुछ सीन डराते और चौंकाते हैं फिल्म का अंत जल्दबाजी में निपटाया गया है वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में टिके हुए निर्देशक अनिश बजवी ने अपने अनुभव का पूरा उपयोग करते हुए भूल ब्लेटू को ऐसी फिल्म के रूप में पेश किया है जो परिवार के साथ देखी जा सकती है अनीश ने कलाकारों से बेहतरीन अभिनय करवाया है और ड्रामे को मनोरंजक और रोचक तरीके से पेश किया है फिल्म कुछ जगह पर उनके हाथ से फिसलती है लेकिन फौरन वह संभाल लेते हैं गानों को भी उन्होंने छोटा रखा है ताकि दर्शकों का ध्यान ना भटके कार्तिक आर्यन अपने कैरेक्टर में एकदम फिट लगे उनकी कॉमिक टाइमिंग जोरदार रही और दृश्यों के मुताबिक उन्होंने एक्सप्रेशन दिए हैं वह है अपने कैरेक्टर को दर्शकों से जोड़ने में सफल रहे हैं कियारा आडवाणी की एक्टिंग भी अच्छी रही तब्बू को इस फिल्म का हीरो कहा जाए तो गलत नहीं होगा खास तौर पर दूसरे हाफ में फिल्म उनके कंधे पर ही टिकी हुई है संजय मिश्रा और राजपाल यादव की कॉमेडी जोरदार रही अश्विनी कलेशकर मिलिंद गोड़ाजी राजेश शर्मा मास्टर समर्थ चौहान सहित सारे चरित्र अभिनेताओं ने अपना अपना पार्ट बाखूबी निभाया है फिल्म के गाने बहुत अपीलिंग नहीं हैं हाँ सामजी और आकाश कौशिक के संवाद जोरदार हैं और दर्शकों को हंसाते हैं संदीप सिरोडकर का बैकग्राउंड म्यूजिक माहौल बनाता है खासतौर पर हॉरर दृश्यों में कुल मिलाकर भूल भुलैया भलेटू ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन का वादा करती है और उसे निभाती भी है अगर आपने बहुत दिनों से कोई कॉमेडी मूवी ना देखी हो बहुत इच्छा कर रही हो और अगर हॉरर कॉमेडी देखने के शौकीन हैं तो बिना रिव्यू देखे भूल भुलैया भलेटू को देखाइए दिमाग घर पर ही रखकर जाएंगे तो पूरी मूवी में जमकर हंसेंगे ठहाके लगाएंगे लेकिन भूल कर भी अक्षय विद्या की ओरिजिनल भूल भुलैया से तुलना करने मत बैठ जाना नहीं तो आपको उसका यह अपग्रेड वर्जन के बजाय एक सस्ता वर्जन लगेगा कहानी है फिर से मंजुलका की जो अपने पिता और अपनी बहन मंजुलका के साथ राजस्थान के भवानीगढ़ में किसी राजा साहब यानी मिलिंद गोड़ा जी के यहाँ बंगला से आती है पिता को उसके यहाँ नौकरी मिली है लेकिन मंजुलका को पिता का अंजुलका से ज़्यादा लगाव पसंद नहीं आता तो वो बदला लेने के लिए काला जादू सीखने लगती है और जब राजा कुंवर साहब उसकी बजाय उसकी बहन से शादी करने का फैसला करते हैं तो गुस्से में अपने पिता का खून करने के बाद कुंवर साहब को भी मारने की कोशिश करती है लेकिन बहन अंजुलका के हाथों मारी जाती है जाहिर है वह भूत बन जाती है और एक तांत्रिक उसे एक कमरे में अभिमंत्रित त्रिशूल दरवाजे पर रखकर बंद कर देता है पिछली फिल्म भी मंजुलका के कमरे में बंद रहने के ऊपर ही थी इसमें भी एक बंगाली गाना है जो पूरी फैमिली गुनगुनाती थी लेकिन कहानी मोड़ लेती है परिवार की बेटी रीत राठौड़ा जो बाहर पढ़ रही है लेकिन शादी से बचने के लिए वह जिस एक्सीडेंट से बच गई थी उसे मरने की खबर आने के बाद सच नहीं बताती ताकि शादी हो रही थी उससे उसकी बहन की शादी हो सके इसमें उसकी मदद करता है रास्ते में उसका दोस्त बना रोहन रंधावी यानी कार्तिक आर्यन जो सबको रीत की आखिरी ख्वाहिश बताकर उसकी हवेली में फिर से परिवार वालों को ले आता है जिसमें कि मंजुलका यानी तब्बू बंद है और उसके हमसकल बहन अंजुल का जो कि वो भी तब्बू ही होती है रित की भाभी है धीरे धीरे वही ड्रामा होता है जो आपने भूल भुलैया में देखा था तमाम भूतिया घटनाएं होती हैं तमाम हंसी के फव्वारे उड़ते हैं कार्तिक आर्यन के भी तमाम ऐसे हैं जो लोगों को काफ़ी हंसाते हैं भूल भुलैया से मूवी इस मामले में थोड़ी अलग है कि इसमें पहले सीन से ही आपको भूत दिखा दिया जाता है ताकि आप ये ना मान लें कि इस मूवी में भी पहली वाली की तरह केमिकल लोचा होगा लेकिन फिर भी इसे उसका सस्ता वर्जन ही माना जाएगा क्योंकि न तो कार्तिक कारण वो वजन पैदा कर पाते हैं जो अक्षय कुमार ने किया था और न ही अडवाणी विद्या बालन जैसा करिश्मा कर पाती हैं उसकी वजह भी थी कियारा को कार्तिक के मुकाबले इतने कम सीन मिले कि कुछ करने को मिला ही नहीं अगर इन रोल के बाद वाला गाना उन पर नहीं फिल्माया गया होता तो आपको लगता है की मूवी में नहीं है उसका सारा फुटेज गाय डबल रोल कर रही टबू के हिस्से में लेकिन तब्बू का भी किरदार ओवर एक्सपोज था जिससे विद्या जैसा दम नहीं आ पाया भूत को लोग कम ही झेल पाते हैं ज्यादा दिखाने पर उसका असर कम हो जाता है तब्बू के साथ ऐसा ही हुआ हालांकि पूरी मूवी उनके कंधे पर ही है ऐसे में जो ग्लैमर का तड़का किारा लगा सकती थी वो नहीं हो पाया बाकी के कलाकारों में भी भूल भलैया के मुकाबले वो दम नहीं था प्रियदर्शन की मूवी का एक किरदार ऐसा था जो असरदार लगता था जैसे परेश रावल मनोज जोशी साइनी आहूजा अमीशा पटेल राजपाल यादव विक्रम गोखले और असरानी तक जबकि अनिश बजवी की मूवी में सब मशरे लगते हैं एक किरदार सीरियस नहीं है सिवाय तब्बू के मिलिंद गोड़ा जी ने अपनी जिंदगी का साथ सबसे असरहीन किरदार किया है इस मूवी में कन्फ्यूज ही नजर आते हैं बाकी संजय मिश्रा हो राजपाल यादव हो राजेश शर्मा हो सभी मशे नजर आते हैं बहुत से बस इतना ही डरते हैं जितना किसी बंदर या कुत्ते से जिस घर में भूतनी छुट्टा घूम रही है उसी में सभी शादी के कार्यक्रम कर रहे हैं उसे छोड़कर भागते नहीं दिखते भूतनी पकड़ते वक्त भी महिलाओं बच्चों को साथ ले जाते हैं असल में ऐसा होता तो सोच कर देखिए कि वहाँ पर एक पल भी रुका नहीं जाता भले इस मूवी में भी एक जबरदस्त ट्विस्ट डालकर क्लाइमैक्स को बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई है और दिमाग ना लगाए तो ज्यादातर को बेहतरीन ही लगेगा लेकिन दिमाग लगाया जाए तो ये राज पहले ही क्यों नहीं खुला जिसे राज पता था उसको तो बस चिल्लाकर सबको इतना ही बताना था आसानी से बता देती भूतनी को कौन रोक सकता था भला सस्ता वर्जन इसलिए भी कहा क्योंकि प्रीतम और तनिष बास्की की मेहनत के बावजूद एक भी गाना लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ा जैसे पिछली बार हरे कृष्णा हरे राम और तेरी आंखें हैं भूल भले चढ़े थे हालांकि इस बार भी हरे कृष्णा हरे राम की तरह ओ काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली जैसे काली के भजन की लाइन तेरा वचन न जाए खाली की लाइन पर रोमांटिक गाना बना दिया गया है कहानी और डायलॉग्स कई फराब फिल्में लिख चुके आकाश कौशिक की है जिसका स्क्रीन प्ले कहानी से लेकर डायरेक्शन तक में हाथ आजमा है फरहान शाम ने लिखा है अनिस बच्ची ने उन पर दांव लगाया है तो उन्होंने निराश भी नहीं किया है गलती साथ किरदारों को चुनने में हुई है और उनको जरूरत से ज़्यादा मशरा बनाने में हुई है जो डर भूल भलेया हारर सीन में पैदा करती है उसमें भूल भलेटू कामयाब वाकई में नहीं हुई है लेकिन कॉमेडी मूवीज़ के शौकीन हैं या कार्तिक आर्यन के फैन हैं तय मूवी आपके लिए है आपको काफ़ी हंसाएगी ये मूवी एक सिचुएशन कॉमेडी सीन वाकई में अच्छे बन पड़े हैं बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के आरा आडवाणी और तबू स्टारर फिल्म भूल भलेटू रिलीज हो चुकी है इस हॉरर कॉमेडी के रिलीज होने का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था यह फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई अक्षय कुमार विद्या बालन और अमीषा पटेल की फिल्म भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की फिल्म है जो पंद्रह साल बाद उसी कहानी को आगे बढ़ाती है फिल्म की कहानी रूहाना रंधावा यानी कार्तिक आर्यन और रीत ठाकुर यानी कियारा अडवाणी के इर्द गिर्द घूमती है जहां कार्तिक को घूमने फिरने का शौक है तो वही कियारा राजस्थान स्थित अपना घर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए मनाली में है किसी तरह रीत की मौत की झूठी खबर उसके घर पहुंच जाती है और यहीं से फिल्म की आगे की कहानी की शुरुआत होती है बाद में रूहान अपनी दोस्त रीत की मदद करने उसके साथ उसके गांव जाता है और वहां लोगों को यह यकीन दिलाता है कि वो भूत प्रेत और आत्माओं से बात कर सकता है जिसके बाद लोग उन्हें रूह बाबा कहने लगते हैं इन सब के बीच हवेली के कमरे में कई वर्षों से बंद मंजुलका की आत्मा बाहर आना चाहती है इसी की कहानी आगे बढ़ती है फिल्म की कहानी पंद्रह साल पहले रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म की कहानी से काफी मेल खाती है लेकिन इसके बावजूद यह दर्शकों को अलग एक्सपीरियंस देगी कार्तिक आर्यन अपने एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी से कई जगह अक्षय कुमार की याद दिलाते हैं कार्तिक ने फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है तो वही कार्तिक के बाद तब्बू अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने में सफल होती हैं तो वही फ़िल्म में हॉरर सीन्स आपको निराश नहीं करेंगे इसके अलावा फिल्म में कई कॉमेडी सीन और डायलॉग्स हैं जो दर्शकों को एंटरटेन करते हैं फिल्म के कुछ सीन में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बेकार है कार्तिक आर्यन के आरा अडवाड़ी और तब्बू स्टारर फिल्म भोल भले तू सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी अक्षय कुमार की भोल भलेया को दो में प्रिय ने डायरेक्ट किया था जिसने सिनेमाघरों में जमकर कमाई की थी और दर्शकों ने भी इसे खूब पसंद किया था भोल भलेया के पूरे पंद्रह साल बाद आई इस फिल्म में इस बार अक्षय की जगह कार्तिक आर्यन नजर आ रहे हैं वह इस बार निर्देशन की कमान अनीस बजवी ने अपने हाथ में ली है अनीस बजवी पिछले कुछ समय से लगातार मुबारका पागलपंथी जैसी फ्लॉप कॉमेडी फिल्में दे चुके हैं कैप्रिय दर्शन की इस हॉरर कॉमेडी में इंसाफ कर पाए हैं चलिए आपको बताते हैं कहानी की बात करें तो फिल्म शुरू होती है मंजुलिका के विवेद को तांत्रिक की मदद से कमरे में बंद करने से और फिर कहानी सीधे अट्ठारह साल बाद पहुंच जाती है रूहान रंधावा ने कार्तिक आर्यन एक फेमस बिजनेस टाइकून का बेटा है और दुनिया घूमकर अपनी जिंदगी मजे से काट रहा है उसकी मुलाकात होती है रेत यानी कियारा अडवाणी से रेत की मदद करने के लिए उसके कहने पर रूहान पहुंच जाता है राजस्थान के भवानीगढ़ कार्तिक यहाँ पहुंच सबको बताते हैं कि वो भूतों से बात कर सकते हैं और बस रूहान बन जाता है रूह बाबा लेकिन दिक्कत शुरू होती है जब मंजुलका का भूत बाहर आता है इस फिल्म के स्वीकल अनाउंसमेंट के बाद से कार्तिक और अक्षय की तुलना होने लगी थी लेकिन फिल्म देखने के बाद साफ है कि इस नए फ्लेवर की कहानी के लिए कार्तिक आरन की एंट्री जस्टिफाई है कार्तिक ने अपना काम बाखूबी किया है हालांकि कियारा के लिए बहुत कुछ करने के लिए नहीं था क्योंकि ये फिल्म तब्बू की है इस भूल भुलैया में भी तब्बू अभिनय के मामले में कहीं भटकती या बहती नजर नहीं आई हैं दरअसल पुरानी और नई फिल्म में अगर कोई समानता है तो वो है राजस्थान और राजपाल यादव कुछ मजेदार पंचलाइन राजपाल यादव के हिस्से में आई हैं। दरअसल कॉमेडी का काम राजपाल यादव कार्तिक आर्यन और संजय मिश्रा ने संभाला है और बाखूबी संभाला है फिल्म के ज्यादातर डायलॉग काम और हंसाते हंसाते डराने वाला फंडा इस फिल्म में आपको खूब नजर आएगा ये एक फैमिली इंटरटेनर है और आप पूरी फिल्म के साथ इस फिल्म का मजा ले सकते हैं पंद्रह साल पहले आई फिल्म भोल भलेया अक्षय कुमार की एक जबरदस्त फिल्म थी जिसका असली मैसेज था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता और कई बार ऐसी चीज़ें हमारे मन का वहम वह होती हैं अगर आप पहली भूल भलेया के इस इंस्प्रेशन के साथ भूल भलेया टू देखने जा रहे हैं तो आपको लॉजिक तो इस फिल्म में नहीं मिलेगा इस वाली भूल भलेया में भूत भी है आत्माएं भी हैं और कई बार वो सामने दीवार पर चलते हुए भी नजर आते हैं दरअसल भूल भलेया टाइटल होने के चलते आप इस फिल्म का क्लाइमैक्स देखने बाद खुद को ठगा सा महसूस करते हैं मेरी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि आप इसे किसी और भूत वाली फिल्म की तरह दर्शकों के सामने ला सकते थे इसका कोई नया नाम रख सकते थे भूल भले के नाम पर एक तरह से दर्शकों के साथ धोखा है क्योंकि भूल भलेटू अपनी बेसिक थीम को ही तोड़ती नजर आती है आखिर में अनिश बजमी की भूल भलेटू आपको खूब हंसाएगी और खूब डराएगी भी बस क्लाइमेक्स पर थोड़ा और काम किया जा सकता था यह फिल्म आपको अपने परिवार के साथ एक बार जरूर देखनी चाहिए पिछले कुछ समय से ही हिंदी फिल्मों के लिए टिकट खिड़की पर भीड़ नजारद रही है अजय देवगन टाइगर श्राफ और रणबीर सिंह जैसे बड़े बड़े सितारों की फिल्में भी दर्शकों को सिनेमाघर में नहीं खींच पाई ऐसे में बॉलीवुड की उम्मीदें अनीश बजवी की हॉरर कॉमेडी फिल्म भोल भुलेया टू पर टिकी थी और शायद यह फिल्म इनकी आस को पूरी भी कर दे क्योंकि इसमें एक पारिवारिक एंटरटेनर के सारे मसाले मौजूद थे हाँ टाइटल की वजह से 2007 वाली भूल भुलेया से तुलना करने या ज़्यादा दिमाग लगाने मत बैठिएगा वरना निराश हो सकते हैं क्योंकि आकाश कौशिक की लिखी इस कहानी में मंजुलका और दो गाने हरे राम और मेरे डोलना के अलावा पिछली फिल्म से कोई कनेक्शन नहीं है फिल्म की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एक हवेली में घर की बहुरानी तब्बू को चुड़ैल मंजुलका के चंगुल से बचाने के लिए तंत्र मंत्र चल रहा है और तांत्रिक उस आत्मा को निकल हवेली के एक ही कमरे में बंद कर देते हैं जिसके बाद पूरा परिवार हवेली छोड़कर चला जाता है कहानी आज में लौटती है जहाँ रीत यानी कि अडवाड़ी मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद पापा जी की मर्जी से शादी करने के लिए घर लौट रही होती है रास्ते में वह टकरा जाती है रूहान रंधावा कार्तिक आर्यन से जो खुलकर जीने में यकीन रखता है हालात ऐसे बनते हैं कि रेत को पता चलता है कि असल में उसकी बहन और मंगेतर एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए उन्हें एक करने के लिए वह रूहान की मदद से अपने मरने का नाटक करती है और छिपने के लिए पुरानी हवेली पहुंचती है जाहिर है तब सालों बाद हवेली खुली है तो मंजूलका का भूत भी बाहर आएगा इसलिए आगे भूतिया हवेली में खूब धमाचौकड़ी होती है रीत घर वालों के लिए आत्मा बन जाती है जो रूहान आत्मा से बातें करने वाला रूह बाबा बनकर लोगों को बहकाता है अब इस कहानी में लाजिक ढूंढने लगेंगे तो आपको बहुत कुछ अटपटा लगेगा लेकिन फरहान शाम जी की स्क्रीन प्ले और आकाश के डायलॉग हंसाते हैं कॉमेडी के पंच अच्छे बन पड़े हैं जो कार्तिक आर्यन की उम्दा कॉमिक टाइमिंग के चलते हंसाने पर मजबूर करते हैं कार्तिक को फिल्म में अच्छे कॉमिक पंचेस के अलावा अपनी एक्टिंग क्षमता दिखाने का भी पूरा मौका मिला है और उन्होंने ये मौका बिल्कुल गंवाया भी नहीं है उनके फैंस की तादाद इस फिल्म के बाद निश्चित तौर पर बढ़ेगी कियारा आडवाणी अपने किरदार के साथ न्याय करती हैं हालांकि छिपे रहने के चलते कई बार वे काफ़ी देर के लिए स्क्रीन से गायब ही हो जाती हैं वही तब्बू हमेशा की तरह खुद को एफर्टलेस एक्टर साबित करती हैं वो फिल्म की सबसे मजबूत कड़ी हैं इसके अलावा संजय मिश्रा राजपाल यादव और अश्विनी कलेशकर की तिकड़ी भी हंसी की डोज बढ़ाने का काम करती है फिल्म की कमजोर कड़ी इसका क्लाइमैक्स है अक्षय कुमार विद्या बालन वाली भूल भुलैया में जहाँ सस्पेंस आखिर तक बरकरार रहता है इस फिल्म में वह बहुत पहले खुल जाता है जिससे रोमांच कम हो जाता है आखिर के ट्विस्ट का अंदाज़ा भी पहले ही हो जाता है फिल्म जल्दबाजी में ख़त्म की गई लगती है म्यूजिक की बात करें तो हरे राम हरे राम वाले गाने का पूरी फिल्म में अच्छा इस्तेमाल हुआ है इसके अलावा मेरे ढोलना और देताली भी ठीक ठाक हैं कुल मिलाकर क्लाइमैक्स कसा गया होता तो मज़ा ही आ जाता पहले अक्षय कुमार स्टारर फिल्म प्रियदर्शन ने बनाई थी वही कार्तिक की भूल भुलेटू को अनिश बजवी ने बनाया है इस फिल्म में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कार्तिक आर्यन है कार्तिक को लेकर काफी कुछ नोटिस कर रहे हैं जैसे उनका अच्छे की तरह चलना बोलना कपड़ों का स्टाइल आदि शुरुआत में लग रहा था कि क्या अक्षय की भूल भुले के आगे कार्तिक की भूल भले अट्टू का दम दिखा पाएगी क्या लोग इसे ऐसे एक्सेप्ट कर पाएंगे बता दें कि एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्म में जान लगाते दिख रहे हैं जी हाँ हार कॉमेडी प्लस रोमांस से भरी फिल्म बोल बलिया टू दर्शकों को कई मौके पर हंसाती भी है और डराने की भी कोशिश करती है कार्तिक फिल्म में चमक रहे हैं उनकी अदाकारी में दिन ब दिन जो निखार आ रहा है उससे फैंस काफ़ी इंप्रेस हैं फिल्म में कार्तिक आर्यन आजकल के नौजवानों जैसे अल्हड़ और बेफिक्रे किस्म के लड़के का किरदार निभा रहे हैं जिसे अचानक एक लड़की इतनी पसंद आ जाती है कि उसकी समस्या को हल करने के लिए वह उसके घर तक पहुंच जाते हैं और यह घर कोई आम घर नहीं है ये एक रजवाड़ा खानदान की हवेली है जो कई सालों से बंद पड़ी है जिसके पीछे की वजह है इस हवेली में मंजुल का रहती है कौन है मंजूल का ये जानने के लिए कार्तिक की फिल्म दर्शकों को अंत तक चीट से चिपके रहने के लिए मजबूर करती है कार्तिक आर्यन से पहले सेम नाम की फिल्म भोल भलेया में सुपरस्टार अक्षय कुमार थे ऐसे में जाहिर सी बात है कि अक्षय कुमार और कार्तिक की बेच तुलना तो होगी ही कार्तिक ने फिल्म के हर सीन में अपना बेस्ट देने के लिए जान फूकी है ऐसे में फिल्म के कई सीन्स में कार्तिक अक्षय वाली एनर्जी लाने में सक्सेसफुल भी होते हैं कार्तिक के हंसने बोलने से लेकर उठने बैठने वाले हाव भाव अक्षय की याद दिलाते हैं लेकिन कार्तिक ने अपने किरदार को इतने अच्छे से निभाया है कि अक्षय की छवि को जोड़ते हुए और एक्सपेरिमेंट करते हुए कार्तिक ने स्क्रीन पर आपसा स्टाइल डालने की कोशिश की है तो ऐसे में स्क्रीन पर कार्तिक की परफॉर्मेंस शानदार है कियारा अडवाणी फिल्म के पहले सीन से बेहद खूबसूरत लग रही हैं फिल्म के हर सीन्स के साथ एक्ट्रेस के कुर्ते काफ़ी चमक रहे हैं जो कि फीमेल फैंस को नया फैशन ट्रेंड दे सकते हैं हालांकि सेकंड हाफ में क्यारा के पास करने के लिए कुछ खास नहीं है इस फिल्म में राजपाल यादव एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी एंट्री पर दर्शक तालियां पीटते दिखाई दिए राजपाल यादव फिल्म के कई सीन्स में बेहद फनी लगे तो वे संजय मिश्रा की अदाकारी भी जबरदस्त है फिल्म की पटकथा अच्छे से बुनी गई है बीच बीच में कहानी में हल्की सी ढील देखने को मिलती है लेकिन तुरंत बाद में रफ्तार भी पकड़ लेती है सेकंड हाफ के बाद फिल्म थोड़ी स्लो नज़र आती है लेकिन बोरिंग नहीं होती ऐसे में इस फिल्म को देखना दर्शकों के लिए एक शानदार एक्सपीरियंस हो सकता है भूल टू एक बुरी आत्मा की कहानी है 18 साल पहले राजस्थान के भवानीगढ़ में एक परिवार को मंजुलका की आत्मा परेशान कर रही है एक तांत्रिक बाबा यानी गोविंद नामदेव मंजुलका को हवेली में एक कमरे में फंसा लेता है इसके बाद वह कमरे को सील कर देता है उसी परिवार से रेत यानी कहरा अटवाड़ी पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर रहती है जब वह रूहान यानी कार्तिक का आरन से मिलती है तो वह जबरन शादी करने के लिए भवानीगढ़ लौट रही है बस यात्रा करते समय दोनों के बीच बॉन्डिंग हो जाती है के पर वह बस से निकल जाती है और एक संगीत समारोह में भाग लेती है इसी दौरान बस खाई में गिर जाती है जिससे उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो जाती है इसलिए रीत को मृत मान लिया जाता है उसी समय रीत को पता चलता है कि सागर उसका पति रीत की बहन तिरछा से प्यार करता है इसलिए रीत अपने परिवार को यह नहीं बताने का फैसला करती है कि वह जीवित है उम्मीद है कि इससे सागर और तिरसा की बहन की शादी में मदद मिलेगी रीत रूहान से मदद मांगती है दोनों भवानीगढ़ जाते हैं और हवेली में शरण लेते हैं वह मंजुलका फंसी हुई है क्योंकि हवेली को छोड़ दिया गया है हालांकि छोटा पंडित यानी राजपाल यादव देखता है कि हवेली में लाइटें बंद हैं वह रीत के परिवार वालों को इसकी जानकारी देता है वे सभी हवेली में उतरते हैं रीत छिप जाती है और रूहान उसका सामना करता है रूहान दिखावा करता है कि वह मृतकों के साथ संवाद कर सकता है

पोर्सन को शामिल करता है आकाश कौशिक की पटकथा कहानी के साथ पूरा न्याय करती है लेखक कथा को बहुत ही प्रभावशाली क्षणों के साथ जोड़ते हैं जो रुचि को बनाए रखते हैं पात्र भी काफी मज़ेदार हैं और इससे मदद मिलती है फरहान शामजी और आकाश कौशिक के डायलॉग स्पर्श पत्र और ताशा भ्रम के अतिरिक्त संवाद हास्य को बढ़ाते हैं अनिश बजवी का निर्देशन शानदार है उनके हाथ में एक चुनौतीपूर्ण काम था क्योंकि फर्स्ट हाफ की कल्ट फैन फॉलोइंग है हालांकि वह अपने निर्देशन से फिल्म को बेहतर बनाने में कामयाब होते हैं कहानी थोड़ी दिमाग रहित है लेकिन वह इसे इतने सही तरीके से हैंडल करते हैं कि फिल्म में जान डाल देते हैं ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने अपनी पिछली यादगार फिल्मों जैसे नो एंट्री जो कि 2005 में आई थी वेलकम जी की 2007 में आई थी आद का निर्देशन किया था वह अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं और इस संबंध में वह जरा भी निराश नहीं करते हैं हॉरर के मामले में बहुत अच्छा काम करते हैं दूसरी तरफ सेकंड हाफ की शुरुआत में फिल्म फिसलती है शुक्र क्लाइमैक्स में फिल्म फिर रफ्तार पकड़ती है बोल ब्लेयर टू की शुरुआत धमाकेदार तरीके से होती है रूहान और रीत की एंट्री मनोरंजक है रीत जिस तरह से अपनी मौत को नकली बनाने का फैसला करते है वह थोड़ा समस्या परे लगता है लेकिन अच्छी तरह से काम करता है रीत के परिवार के साथ रूहान की पहली मुलाकात काफी यादगार है रूहान कैसे रूह बाबा में बदल जाता है या मजेदार है मंजुलका की फ्लैशबैक कहानी फर्स्ट हाफ में दिखाई गई है जो हैरान करने वाली है आमतौर पर ऐसे ट्रैक को सेकेंड हाफ में प्रमुखता दी जाती है इंट्रोल पॉइंट और फ्लैशबैक पर सस्पेंस का है एंट्रोल के बाद फिल्म की रफ्तार धीमी हो जाती है फिनाले में एक और अप्रत्याशित मोड़ है परफॉर्मेंस की बात करें तो कार्तिक आर्यन बेहतरीन फॉर्म में हैं हाथ को चित्रित करने का उनका अपना तरीका है और यह अच्छी तरह से काम करता है कियारा आडवाणी स्टिनिंग दिखती हैं और बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करती हैं वह अपने किरदार के साथ पूरा न्याय करती हैं तब्बू एक सरप्राइज पैकेज हैं और अपने करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक करती हैं राजेश शर्मा एक छाप छोड़ते हैं और इसी तरह समर चौहान यानी पोटलू बच्चा राजपाल यादव और संजय मिश्रा मजाकिया लगते हैं असनी कलेषकर ठीक हैं अमर उपाध्याय और मिलिंद गुनाची कुछ खास नहीं है गोविंद नानदेव को सीमित दायरा मिलता है सागर और रेत का किरदार निभाने वाले कलाकार अच्छे हैं टाइटल ट्रैक आकर्षक है अमीज तुमार में भूतिया एहसास है देताली और हम नशे में ठीक हैं संदीप सिरोडकर का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है मन आनंद की सिनेमाटोग्राफी शानदार है रजत पद्दार का प्रोडक्शन डिजाइन बहुत समृद्ध है और हॉरर को बढ़ाता है कार्तिक आर्यन और केरा आडवाणी के लिए अकी नरूला का बेहद ग्लैमरस है तब्बू के लिए रिम्पल्स और हरप्रीत नरूला की वेशभूषा भी काबिले तारीफ है बाकी के लिए अंकिता पटेल का कॉस्ट्यूम ठीक है मनोहर वर्मा का एक्शन खून खराबे से रहित है मंदार कुलकर्णी का साउंड डिजाइन प्रभाव को बढ़ाता है आफ्टर स्टूडियोज का बी एफ टॉप क्लास का है बंटी नागी का संपादन नियुक्त है कुल मिलाकर भूल भलेटू पूरी तरह से इंटरटेनर फिल्म है और हॉरर और कॉमेडी के शानदार कॉम्बो के कारण अच्छा काम करती है साल 2007 में आई अक्षय कुमार और विद्या बालन के भूल भुलेया को आखिर कौन भूल सकता है अवनी यानी विद्या बालन और मंजुलका की मिली जुली कहानी ने हम सभी को खूब डराया था तो वही आदित्य यानी अक्षय कुमार और छोटे पंडित यानी राजपाल यादव की कॉमेडी ने हमें खूब हंसाया था मंजुलका ने ही आगे चलकर स्त्री और परी और रोही जैसी फिल्मों के रास्ते खोले थे इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और आज भी पसंद करते हैं तभी तो जब भूल भुलैया टू का ऐलान हुआ तो कई फैंस एक्साइटेड और निराश हुए वही जब भूल भले टू का ऐलान हुआ तो कई फैंस एक्साइटेड और कई निराश हुए थे कार्तिक आर्यन तब्बू और कियारा अडवाड़ी स्टार फिल्म भूल भले टू का ट्रेलर काफ़ी अवाई अवायं था ट्रेलर देखकर किसी को भी खास मजा नहीं आया था ना ही किसी ने उम्मीद की थी कि यह फिल्म कैसी होगी अब जब हमने फिल्म देख ली है तो कहा जा सकता है कि यह अच्छी है फिल्म भूल भले टू की कहानी पिछली फिल्म से बिल्कुल अलग है लेकिन इसमें पिछली फिल्म जैसे एलिमेंट्स डालने की कोशिश की गई है फिल्म की कहानी एक हवेली से शुरू होती है जहाँ मंजुलका की आत्मा से परेशान होकर तांत्रिकों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया है अठारह सालों तक हवेली के कमरे में कैद रहने के बाद मंजुलका आजाद होती है तो शुरू होता है भाग और डर का खेल राजपाल यादव एक बार फिर छोटे पंडित के आइकैनिक रोल में कमाल कर रहे हैं तो वही कार्तिक आर्यन रूह बाबा बनकर लोगों के मरे हुए घरवालों से उनका मिलना करवाने लगे हैं वही रूह बाबा एक ढोंगी के अलावा और कुछ भी नहीं है कार्तिक और ब्रूहान को यह सब अपने रीत यानी कियारा अडवाणी के रिश्ते से छुपाने के लिए करना पड़ रहा है दोनों अपनी पोल खोलने से बचने के चक्कर में मंजुलिका के हाथ लग जाते हैं बुलबुलिया टू में कॉमेडी का सही डोज आपको मिलता है कार्तिक कैरन राजपाल यादव राजेश शर्मा और संजय मिश्रा जैसे स्टार्स ने अपनी कामिक टाइमिंग से कमाल कर दिया है तब वो अपने किरदार में खूब जमी हैं और उनका काम भी बढ़िया है कियारा अडवाणी ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है कार्तिक और कियारा की केमिस्ट्री देखने लायक है कार्तिक को अपने आन स्क्रीन रोमांस और कॉमेडी के लिए ही जाना जाता है और इस फिल्म में उनके दोनों रूप देखने को मिले हैं इसमें उन्होंने कमाल भी करके दिखाया है लेकिन कार्तिक के काम की तुलना अक्षय कुमार के रोल से करना गलत होगा फिल्म का निर्देशन अनिश बजवी ने काफी अच्छे से किया है उन्होंने कॉमेडी हॉरर और बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश की है और इसमें सफल भी रहे हैं साथ ही फिल्म में इस्तेमाल हुए सीजीआई और बी भी अच्छा है फिर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस फिल्म को इम्परफेक्ट बनाती हैं फिर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस फिल्म को इम बनाती हैं। यह फिल्म आपको अपने साथ बांधे रखने में नाकाम होती है इसके कई सीन्स को देखकर आपके मन में आता है कि यह क्या हो रहा है इसमें कई ड्रामेटिक और लाउड डायलॉग हैं और बैकग्राउंड स्कोर कानों में छुपता है फिल्म का एक भी गाना अच्छा नहीं है कुल मिलाकर अगर आप कार्तिक आर्यन के फैन हैं तो भूल भलेटू को एक बार जरूर देखें कार्तिक आर्यन हिंदी सिनेमा की मौजूदा पीढ़ी के उन गिने चुने सितारों में है जिनकी पृष्ठभूमि किसी फिल्मी परिवार से नहीं है प्यार का पंचनामा प्यार का पंचनामा टू और सोनू के टी की शूटी जैसी फिल्मों से कार्तिक ने अपनी एक खास पहचान बनाई है इसी पहचान के सहारे उन्होंने लुका छिपी और पति पत्नी और ओ में कामयाबी भी पाई है हिट के उनकी हैट्रिक को पहले इम्तियाज अली ने फिल्म लव आजकल में तोड़ा और फिर मधुवानी की फिल्म का धमाका हुआ कार्तिक हिंदी सिनेमा में एक आम हिंदुस्तानी के संघर्ष की कहानी है कुछ कुछ वैसी है जिसे कहानी उनकी नई फिल्म भूल बुलेटू के हीरो रूहान रंधावा उर्फ रूह बाबा की है यहाँ लोग होते हैं कुछ और और देखते हैं कुछ और ये हिंदी सिनेमा की परंपराओं में चले आ रहे वो निशान हैं जो अब इनके दामन पर धब्बों के सरीखे दिखने लगे हैं कार्तिक के सामने उनकी पिछली दोनों फिल्मों में चुनौती रही है खुद को एक ऐसा कलाकार साबित करने की जो अकेले अपने बूते एक फिल्म को खींच सके नतीजा वह खुद जानते हैं वह अच्छे कलाकार हैं उनकी टीम मिले तो वह चमत्कार कर सकते हैं फिल्म बोल बुलेट टू की कहानी पूरी फिल्म